क्या आप जानना चाहते हैं किस तरीके से एक ब्लैक हैट हैकर केवल वाईफाई के जरिए आपका सारा डेटा चुरा सकता है और आप किस तरीके से इस प्रोसेस से सेफ रह सकते हैं? तो चलते हैं कंप्लीट प्रोसेस जहां पर हम समझेंगे हमारे वाईफाई की वल्नरेबिलिटीज और कैसे उनको सुधारा जाए। सो हेलो हैकर्स, कैसे हैं आप सभी? आई आशीष कुमार वेलकम यू ऑल टू WsCube Tech एंड यहां पे आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूं इंट्रोडक्शन टू वाईफाई, जिसमें हम समझेंगे वाईफाई के बारे में कंप्लीट डिटेल में, क्या है, कैसे डिवाइस है, कैसे काम करता है, क्या इसमें कमियां होती है और किस तरीके से एक हैकर इस डिवाइस के जरिए आपके डेटा को एक्सेस करता है। तो चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ, यहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वाईफाई, देन हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ वाईफाई, एंड देन हाउ वाईफाई नेटवर्क वर्क्स, देन टाइप्स ऑफ वायरलेस थ्रेट्स, एंड देन वायरलेस हैकिंग मेथोडोलॉजी। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा हर चीज को, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाईफाई को अच्छे से समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ जो कि है व्हाट इज वाईफाई। वाईफाई है क्या, बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी है, ये क्या काम करती है, ये समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो है ये कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी इस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी वायर यूज नहीं करा जा रहा है। वायरलेस मतलब होता है जहां कोई वायर यूज ना करा जाए, तो बहुत इजी टर्म है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, यानी इसमें कोई वायर कोई केबल यूज नहीं करी जा रही है। ओके ग्रेट। देन ये क्या करता है, कनेक्टिंग डिवाइसेस टू द इंटरनेट, यानी ये हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन करता है? वाईफाई करता है, ठीक है। देन यहाँ पे ट्रांसमिटिंग रेडियो सिग्नल्स एज डेटा यूजिंग राउटर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली एक राउटर है जिसके जरिए जो रेडियो सिग्नल जा रहे हैं ये वो शेयर कर रहा है और वो रेडियो सिग्नल एज एन डेटा वर्क कर रहे हैं, यानी रेडियो सिग्नल्स के जरिए डेटा ट्रांसफर करा जा रहा है और इसके जरिए हमारे जितने भी सिस्टम्स है वो सभी इंटरनेट चला पा रहे हैं। तो ये बेसिकली राउटर का मेन वर्क है, ये वाईफाई का मेन वर्क है कि राउटर के जरिए कुछ सिग्नल्स निकाले जाएंगे, कुछ रेडियो सिग्नल्स निकाले जाएंगे जो कि एज एन डेटा वर्क करेंगे एंड हम इजीली इसके जरिए इंटरनेट यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली राउटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट यूजिंग वायर या केबल। नाउ वाईफाई के लिए तो कोई भी केबल या वायर की जरूरत नहीं है बिकॉज वो वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करता है, बट जो हमारा राउटर है जिसके जरिए वाईफाई ऑन हो रहा है, सारे सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं, रेडियो सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, वो राउटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, आईएसपी से कनेक्ट होता है डायरेक्ट, तो वो बेसिकली केबल या वायर के जरिए ही होता है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑन चैनल्स। इसका मतलब क्या है, जैसा कि हमारी आईपी थी, जो इंटरनेट पर हम सारी चीजें यूज करते हैं, आईपी जो भी डेटा ट्रांसफर करती है पोर्ट्स के जरिए करती है। आप सभी को पता होगा वेज जो है, जो हमने अच्छे से समझा नेटवर्किंग में, क्या आईपी के जरिए जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो पोर्ट्स के जरिए हो रहा है, वैसे ही एग्जैक्ट सेम तरीके से जो हमारा राउटर है वो डेटा ट्रांसफर करता है, बट ये यहाँ पे पोर्ट्स यूज ना लेके चैनल्स को यूज लेता है बिकॉज रेडियो सिग्नल जो है वो चैनल्स पर वर्क करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप सभी को पता होगा, आप जो एफएम चलाते हैं वहां पे अलग अलग चैनल्स होते हैं, 92.7, 102 और एसएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे चैनल्स होते हैं, तो जो रेडियो सिग्नल्स है वो चैनल्स पे वर्क करते हैं, इसीलिए हमारा वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है ये भी चैनल्स पे ही वर्क करता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो हमारा वाईफाई है उसकी क्या हिस्ट्री रही है या फिर क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या क्या चीजें ऐड हो रही है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री, इसकी जो सिक्योरिटीज थी स्टार्टिंग से जब से वाईफाई है वो हम समझते हैं बहुत ही इजी चार्ट के जरिए। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा वाईफाई आया था वो था WEP। अब इस WEP का फुल फॉर्म क्या है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। सो ये हमारा जो WEP है ये एक वाईफाई टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए हम इंटरनेट यूज कर पा रहे थे। अब इसमें क्या होता था, क्या कमियां थी, ये सारी चीजें समझते हैं यहाँ पे। ये डेवलप कब करा गया था, ये डेवलप करा गया था 1997 में, एंड यहाँ पे इसमें जो इंक्रिप्शन फॉलो करा जा रहा था वो था RC4, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट ठीक है, एक इंक्रिप्शन अप्लाई करा गया था उस वक्त के हिसाब से, जो टेक्नोलॉजी थी यही एडवांस थी वहां पे। तो 1997 के अंदर RC4 इंक्रिप्शन अप्लाई कराया गया था हमारे वाईफाई में, जो कि था WEP, एंड इसके अंदर जो डेटा इंक्रिप्ट करा जाता था, जो डेटा मूव करा जाता था वो था 64 to 128 bits। सो यहाँ पे जो इसकी की साइज थी वो थी 64 to 128 bits। अब ये 64 to 128 bits तो ठीक है, अच्छी पावर है, बट जो इंक्रिप्शन अप्लाई करा जा रहा था वो था काफी वीक, एंड हमें रिक्वायर्ड क्या है कि हमारा जो वाईफाई है उसमें जो डेटा मूव हो रहा है वो इंक्रिप्टेड हो, सिक्योर हो, कोई भी उसे पढ़ के बीच में हमारा डेटा इंटरसेप्ट ना कर सके। यहाँ पे उसके बाद देखते हैं बेसिकली क्या आया, WPA आया। WPA क्या है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो ये जो हमारा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस आया ये इससे ज्यादा सिक्योर निकला। देखते हैं इसमें क्या क्या सिक्योरिटी इंटीग्रेट करी गई। पहली बात तो ये यहाँ पे 1997 के बाद जो नेक्स्ट वाईफाई आया वो आया 2003 में। सो 2003 में इसके साथ आया TKIP with RC4। अब TKIP क्या है, ट्रांसपोर्ट की इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल।
ये प्रोटोकॉल आया RC4 के साथ, जिसके बाद जो हमारा डेटा जा रहा था वो थोड़ा जो है सिक्योरली जाने लगा, पर इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम थी कि जो डेटा जा रहा था वो इजीली क्रैक करा जा सकता था किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए। तो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी है ये इससे थोड़ी मजबूत थी, किससे, हमारा RC4 के, बिकॉज RC4 के अंदर आप मान लो जो हैंडशेक फाइल जा रही है वो क्लियर टेक्स्ट विजिबल था, यानी उसके अंदर जो डेटा जा रहा था वो क्लियर टेक्स्ट विजिबल था, वहां प्रॉपर इंक्रिप्शन अप्लाई नहीं हो पा रहा था। एंड इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए 2003 में जो सिक्योरिटी यहाँ पे अप्लाई करी गई वो थी TKIP। क्रैक तो ये भी हो जाती थी बट हल्की सी मेहनत लगती थी, देन ये क्रैक करा जाता था, इसके जो पासवर्ड जो हैंडशेक फाइल में पासवर्ड जाते थे, यानी जो भी डेटा यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहा था वो ज्यादा सिक्योर नहीं था, अच्छे से इनक्रिप्टेड नहीं था। एंड यहाँ पे 128 बिट की जो की है वो यूज ली जा रही थी, की साइज जो थी वो 128 बिट की थी। इसके बाद WPA2 आया जो कि आज हम सभी के एंड्रॉइड डिवाइसेस में, लैपटॉप्स में यूज करा जा रहा है। WPA2 आज वो टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ पे यूज ली जा रही है, जो कि उसके आगे की भी कुछ टेक्नोलॉजीज आ गई है, वाईफाई के बारे में आपने सुना होगा, तो ये जो WPA2 है इसके बारे में समझते हैं। इसका नाम है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2। एंड ये जैसे ही आया ये अपने साथ लाया बहुत ही अच्छी इंक्रिप्शन टेक्निक जो की है ASCCMP। एंड किस टाइम में आया, ये आया हमारे 2004 में। सो 2003 से 2004 देखे तो आप वन ही ईयर में बेसिकली यहाँ पे एक अच्छी सिक्योरिटी आ गई जो की था AES इंक्रिप्शन। एंड ये जो हमारा AES का CCMP इंक्रिप्शन है ये काफी अच्छा काम करता था, और इसकी जो बिट्स थी, की साइज थी, वो थी 128 बिट। सो 128 बिट साइज की जो की साइज के हिसाब से इंक्रिप्शन अप्लाई करता था वो काफी यूजफुल रहा, जिसमें जो क्रैकिंग करते थे तब तक नहीं कर पाते थे जब तक वो एग्जैक्ट पासवर्ड ना निकाल सके, यानी जब तक उनकी लिस्ट के अंदर, ब्रूट फोर्स लिस्ट के अंदर एग्जैक्ट पासवर्ड ना मिले तब तक जो इंक्रिप्टेड डेटा जा रहा है वो उसको क्रैक नहीं कर पा रहे थे। सो यहाँ पे हैंडशेक फाइल्स को भी क्रैक करने में मेहनत लगने लग गई, तो ये जो है हमारा WPA2 ये थोड़ा सिक्योर हो गया, जो कि आप देखो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आया, 2003 के बाद डायरेक्ट 2004 में आ गया। तो WPA2 वो वाईफाई जो आज के टाइम पे हम सभी यूज ले रहे हैं, और अब जो यूज लेने वाले हैं वो है हमारा WPA3, जो कि इसका भी हायर वर्जन, एडवांस और ज्यादा सिक्योर वर्जन है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसका फुल फॉर्म बहुत ही इजी है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। एंड यहाँ पे ये जो आया ये आया हमारे 2018 में, इंप्लीमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे, बट काफी जगहों पे, काफी सिस्टम्स में, काफी लेटेस्ट एंड्रॉइड डिवाइसेस में आने लग गया है। तो 2018 में आया, जिसके अंदर AES CCMP एंड AES GCMP ये दोनों ही इंक्रिप्शन जो चिपर सेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई होने लग गए। एंड अब जो डेटा जा रहा है उसको क्रैक करना करीब करीब इम्पॉसिबल हो गया है किसी भी ब्रूट फोर्स मेथड के जरिए। विदाउट की आप बेसिकली डेटा को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, पब्लिक प्राइवेट की जो हम बताते हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर, सो उसके बिना हम डेटा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अब जो हमारा डेटा जा रहा है वो काफी सिक्योर है WPA3 के अंदर, कमी तो इसके अंदर भी डेफिनेटली है बट फिलहाल हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम सबकी वल्नरेबिलिटीज निकालेंगे और देखेंगे किस तरीके से इन्हीं वाईफाई के जरिए एक अटैकर हमारा कंप्लीट सिस्टम एक्सेस कर लेता है। सो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। लास्ट जो पॉइंट बचता है वो है 128 to 256 की साइज जो ये यूज ले रहा है, तो ये और ज्यादा सिक्योर हो गया इस हिसाब से। तो यहाँ पे ये था हमारा वाईफाई का कंप्लीट हिस्ट्री, और उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करेगा, बिकॉज इन्हीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में हम लूपहोल्स निकालने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और सुधारेंगे कैसे, साथ ही साथ वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली जो हमारी है वो है कि ये वर्क कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली, जो हमारा वाईफाई है, राउटर है, वो काम कैसे कर रहा है। बिकॉज सारी हैकिंग टेक्नोलॉजीज अप्लाई करने के लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है कि वो काम कैसे कर रहा है। जब तक हमें नहीं पता पड़ेगा वो किस तरीके से डेटा को शेयर कर रहा है, किस तरीके से डेटा को रीड कर रहा है, जो सिस्टम जोन को आइडेंटिफाई किस तरीके से कर रहा है, तब तक हम वहां पे वल्नरेबिलिटीज इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आज हमारे लिए है वो है ये राउटर। ये राउटर ही वो डिवाइस है जो वायर के जरिए ISP से जुड़ा है, जिसके जरिए इसके पास इंटरनेट आ रहा है और हम सभी को प्रोवाइड कर रहा है वाईफाई टेक्नोलॉजी पे। विदाउट वायर यानी वायरलेस डिवाइसेस के जरिए, रेडियो सिग्नल्स के जरिए बेसिकली हम सभी को ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अभी कैसे वर्क कर रहा है, क्या सारी चीजें होती है, इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारा राउटर है, ये हमारा ISP है। सबसे पहली एंटिटी हमारे पास ISP आ जाती है, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कंपनी, वो एंटिटी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है उसको हम ISP कह देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो ISP है वो है जियो। सो जियो ने क्या करा, हमने बेसिकली जियो का ब्रॉडबैंड यूज किया, हमारे घर पे इंस्टॉलेशन कराया, वायर के जरिए हमारे घर पे ब्रॉडबैंड इंस्टॉलेशन हो गया। अब इसके जरिए हम इंटरनेट यूज करेंगे तो ये काम कैसे करेगा। जैसे ही हमने जियो से इस राउटर को लिया था, जब इसका इंस्टॉलेशन कराया था, तो जियो ने दे दी इसको एक पब्लिक IP। ये स्टैटिक तो नहीं है, ये चेंज होती रहती है, बट फिलहाल हमारे राउटर के पास एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, वो है उसकी पब्लिक IP। अब सवाल उठता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती क्या, आइडेंटिटी मतलब पहचान, मेरी पहचान क्या होगा, मेरा नाम, मेरा आधार कार्ड का नंबर, ये सारी चीजें मेरी पहचान है, मेरा पैन कार्ड नंबर, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के पहचान है।
तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्या है, और विदाउट आइडेंटिटी किसी से बात नहीं करी जा सकती। अगर मुझे आपको कॉल लगाना है तो मैं बिना आपके कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि आपके आइडेंटिटी का हिस्सा है, आपको कॉल नहीं लगा पाऊंगा। तो यहाँ पे यही सेम चीज है कि हर सिस्टम के पास अपनी एक आइडेंटिटी होगी। तो हमारे ब्रॉडबैंड के पास उसकी एक आइडेंटिटी आ गई है, जो कि है उसकी पब्लिक आईपी। साथ ही साथ इसके पास कुछ और आइडेंटिटीज भी होती है, वो क्या है, इसकी कुछ और पहचान भी है, वो क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम, ये जो ब्रॉडबैंड है इसके पास तीन आइडेंटिटी होती है। क्या क्या है, जिसने पहले नेटवर्किंग के वीडियोस देखे होंगे मेरे, उनको अच्छे से क्लियर होगा। पहली इसकी जो आइडेंटिटी है वो तो है पब्लिक आईपी, जिसके बारे में हमने देख लिया। दूसरी है प्राइवेट आईपी, एंड देन इसके बाद जो लास्ट और फाइनल आइडेंटिटी है, जो कि कभी चेंज नहीं होती, वो है इसका मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये क्या होता है, मैक एड्रेस एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जो कि कभी चेंज नहीं करा जाता। इसके बारे में और डिटेल में देखना है या इस पूरे प्रोसेस को और ज्यादा डिटेल में समझना है तो नेटवर्किंग का आपका पूरा एक प्लेलिस्ट अपलोड हुआ हुआ है, उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिएगा ताकि आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ जाए। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे राउटर के पास तीन पहचान है, प्राइवेट, पब्लिक और मैक एड्रेस। प्राइवेट आईपी की जो बात करें तो इसके पास एक और चीज होती है, हमारे राउटर के पास एक बैंडविड्थ होती है। जैसे जियो के पास पब्लिक आईपी की बैंडविड्थ थी जिसमें वो किसी को भी पब्लिक आईपी अलॉट कर सकता था, वैसे ही हमारे राउटर के पास भी प्राइवेट आईपी की एक लिस्ट होती है जिसके जरिए वो हर सिस्टम को एक आईपी अलॉट कर पाए, बिकॉज विदाउट आइडेंटिटी वो किसी से बात ही नहीं कर पाएगा। तो ये सभी को एक पहचान देता है ताकि इन सभी से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके लोकल एरिया नेटवर्क में। तो यहाँ पे हमारे इस राउटर के पास जो नंबर ऑफ आईपीज है वो कहाँ से कहाँ तक है देख लेते हैं। वो है 192.168.1.0 से लेकर ये रेंज होती है 255.255.255.255। ये है वो लास्ट नंबर ऑफ आईपी जो हमारे ब्रॉडबैंड के पास होती है। अब ये जो राउटर के पास से सारी आईपीज की लिस्ट है, इनके बीच की आईपी किसी भी सिस्टम को दे सकता है, यानी 192.168.1.0 के बाद की और 255.255.255.255 से पहले की, यानी 254 तक, ये सारे आइडेंटिटीज आईपी ये दे सकता है। हाँ, इसको आईपी अलॉट करने के लिए कुछ और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक ही राउटर इतनी सारी डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता बिकॉज काफी सारी टेक्निकल इश्यूज आ जाती है, डॉस अटैक परफॉर्म करा जा सकता है और काफी सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग नेट मास्क होने जरूरी है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट मास्क है ये होता है 255.255.255.255 से पहला, यानी 254। तो इतनी रेंज थी इसके पास प्राइवेट आईपी जो ये किसी को अलॉट कर सकता है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि हमारे राउटर से हमने एक सिस्टम कनेक्ट करा, ये एक वो सिस्टम है जो हमने कनेक्ट करा। जैसे ही हमने से एक सिस्टम को कनेक्ट करा, राउटर ने अपनी प्राइवेट आईपी की लिस्ट में से एक आईपी इसको दे दी। उससे पहले मैंने आप सभी को बताया राउटर के पास भी एक प्राइवेट आईपी होती है। वो प्राइवेट आईपी कहाँ से आएगी, राउटर के पास एक लिस्ट थी जो कि हमने देखा 192.168.1.0 से लेकर 255 तक जो पूरी रेंज है वो चल रही है। तो 192.168.1.1 जो पहली आईपी है वो हमारा राउटर अपने लिए रख लेता है, जो कि होती है राउटर की प्राइवेट आईपी, जिसको हम डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे राउटर ने क्या करा, 192.168.0.1 बेसिकली 1.1 हो या 0.1 हो, वो अलग अलग गेटवे चलते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने जो लिया 192.168.0.1 खुद रख ली, उसके आगे की जितनी भी आईपी रेंज है वो पूरी आईपी रेंज आगे के सिस्टम्स को अलॉट करने वाला। तो ये जो आईपी रेंज इसने रखी, इसके बाद जो दूसरी आईपी बचती है वो है 0.2, जो कि इसने हमारे इस सिस्टम को अलॉट कर दी। देन ऐसे ही किसी को 100, किसी को 10, किसी को 11, ऐसे ही हर सिस्टम को ये आईपी अलॉट करता चला गया। पर यहाँ एक सवाल उठता कि इसने आईपी अलॉट करी तो करी कैसे, ये हमें पता ही आईपी अलॉट करेगा, काफी नेटवर्किंग के लोगों को पता होगा कि ये आईपी अलॉट कर रहा है, बट सवाल उठता है कर कैसे रहा है या एग्जैक्टली कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि हर सिस्टम को एक आईपी दे सके, और किस सिस्टम को क्या आईपी देनी है ये कौन डिसाइड करेगा। तो ये सारी चीजें अब देखते हैं यहाँ पे, इस चीज को क्लियर करते हैं हम, और अब इस चीज को समझते हैं यहाँ पे कि हमारे जो ब्रॉडबैंड है इसके पास एक बहुत ही अच्छी सर्विस होती है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है एआरपी। ये क्या है, एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये काम क्या आता है बेसिकली, एआरपी का मतलब है एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि आपका एड्रेस पता करेगा कि आपके पास क्या एड्रेस अलॉटेड है, और यही प्रोटोकॉल इसकी मदद करता है हर सिस्टम की आईपी पता करने के लिए, उसका मैक एड्रेस पता करने के लिए, और किसी सिस्टम को नई आईपी अलॉट करने के लिए। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, एआरपी क्या होता है बेसिकली प्रोटोकॉल, ये तो हम समझ चुके हैं। राउटर क्या करता है, एआरपी पैकेज भेजता है। अब एआरपी पैकेज क्या है, यानी ये रेडियो सिग्नल्स के जरिए डेटा शेयर करेगा एआरपी पैकेज के, जो कि क्या करेंगे सिस्टम से, हर सिस्टम से जाके पूछेंगे कि आपके पास कौन सी आईपी है। अब ये किस तरीके से पूछेंगे, तो यहाँ देखते हैं बेसिकली, मान लेते हैं ये एक एआरपी का पैकेट है,
तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा ऐसा जो ये सबसे पूछ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ होता है Who has 192.168.0.4। अब फॉर एग्जाम्पल यहां मान लेते हैं इसने पूछा Who has 192.168.0.4, ये एक उसने आईपी पूछी, और ये जो पैकेट बना है एआरपी का पैकेट जो बना है ये होता है ब्रॉडकास्ट पैकेट। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है सभी को पता है, नॉर्मली हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें ब्रॉडकास्ट क्या होता है, हम एक मैसेज ट्रांसफर करते हैं वो सभी को चला जाता है, तो यहाँ पे ये भी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। यानी ये जो इसने बात पूछी है 192.168.0.4 किसके पास है, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा इन सभी कनेक्टेड नेटवर्क्स के पास, यानी सभी के पास एक पैकेट जाएगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी जो कि पूछ रही होगी कि किसके पास 192.168.0.4 एड्रेस है। इनमें से जिसके पास भी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे इसी सिस्टम के पास 0.4 का एड्रेस है, यानी 192.168.0.4 का एड्रेस है, ये सिस्टम रिप्लाई करेगा कि यस मेरे पास है 192.168.0.4। ये कैसे रिप्लाई करेगा, इसके रिप्लाई के अंदर बेसिकली एआरपी का जो रिप्लाई जा रहा है इसके अंदर ये बोलेगा कि यस आई हैज 192.168.0.4, बट उसके साथ साथ इसका जो मैक एड्रेस है, क्योंकि बिकॉज इस सिस्टम के पास भी तीन पहचान है, वो तीन पहचान क्या क्या है, पहला प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी नहीं होगी, बिकॉज पब्लिक आईपी केवल राउटर के पास एक ही है तो वो किसी को अलॉट नहीं करने वाला, इसके पास होगी केवल प्राइवेट आईपी, इसका लोकल होस्ट और इसका मैक एड्रेस। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानना है तो आपको ऊपर आई ऑप्शन में बेसिकली बाकी की वीडियोस दिख रही होगी, जो लास्ट वीडियो है अपना नेटवर्किंग का पूरा प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से देख लेना आप। सो यहाँ पे इसके पास आईपी है 0.4, इसने अपने मैक एड्रेस के साथ ही आईपी की बात जो है कि यस आई हैव 192.168.0.4 ये मैसेज ट्रांसफर कर दिया हमारे राउटर के पास। राउटर क्या करेगा, जल्दी से अपनी जो टेबल है उसमें अपडेट कर देगा कि 0.4 कोई भी एक्स वाई जेड मैक एड्रेस के पास है, है ना, जो मैक एड्रेस है वो नोट कर लेगा, तो ऐसे ही ये रिकॉर्ड रखता जाएगा। और ये जो एआरपी रिक्वेस्ट है ये ऐसी सारी आईपी लिस्ट के लिए जाएगी, 100 के लिए, 104 के लिए, 101 के लिए, 11 के लिए, 10 के लिए, ऐसी ही एआरपी रिक्वेस्ट लगातार ट्रांसफर होती रहेगी, और हर वो सिस्टम जिसके पास वो आईपी होगी वो बोलेगा यस आई हैव दैट आईपी, मेरे पास है वो आईपी। तो इसी तरीके से बेसिकली हमारे राउटर ने सभी सिस्टम्स को एक आईपी अलॉट कर दी ताकि उनसे बात कर सके। ये प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी के बारे में भी डिटेल में जानना तो आप एक बार उस तरह मूव करिएगा, बट यहाँ पे हम वाईफाई के बारे में समझने वाले हैं। तो वाईफाई ने क्या करा, एआरपी रिक्वेस्ट के जरिए सभी की आइडेंटिटी ले ली, अपनी टेबल में अपडेट कर लिया। अगर बाई चांस यहाँ पे यूजर डिस्कनेक्ट भी होता है तो ये फिर से हर कुछ टाइम में एआरपी रिक्वेस्ट जाती रहती है, तो हर कुछ टाइम में पूछेगा कि भाई 0.4 किसके पास है। अब अगर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ये पूरा ब्रॉडकास्ट मैसेज जो सबके पास जाएगा, इनमें से अगर किसी ने नहीं बोला कि सर हमारे पास 0.4 आईपी है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली राउटर उस आईपी को खाली कर देगा, यानी अपनी टेबल में लिख देगा कि भाई 0.4 अब किसी के पास नहीं है। एंड जैसे ही ऐसा ये करेगा तो अब कोई भी नया सिस्टम जुड़ेगा तो 0.4 आईपी खाली होगी उस सिस्टम को अलॉट करने के लिए, राउटर अपने आप कर देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा वाईफाई वर्क कर रहा है। अभी जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें हमारा डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है, बट सवाल उठता है कि सर इतने सारे सिस्टम कनेक्टेड कैसे हुए। यहाँ पे हर सिस्टम को कनेक्ट होने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम तो फिर भी जो नाम होता है वाईफाई को ऑटोमेटिक आ जाता है, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, विदाउट पासवर्ड कोई भी डिवाइस एक वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट हो ही कैसे सकता है। तो यहाँ पे अब इस चीज को समझते हैं कि एक सिस्टम राउटर से कनेक्ट होता कैसे है, इस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ सके हमारा वाईफाई कैसे कनेक्शन बना रहा है। मान लेते हैं इस सिस्टम को हमारे राउटर से कनेक्ट होना था, कनेक्ट होने के लिए वो क्या करेगा, अपने वाईफाई सेटिंग्स में जाएगा, स्कैन करेगा, उसको वाईफाई का नाम दिखेगा, हमारे राउटर का जो वाईफाई का नाम है मान लेते हैं इसका नाम है WsCube, तो उसका WsCube नाम का वाईफाई दिख रहा है, उसने क्या करा उस पर क्लिक करा, उसके सामने पासवर्ड पूछा गया, उसने पासवर्ड एंटर करा और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने सबमिट बटन पे क्लिक करा इस सिस्टम से एक पैकेट बना जिसके अंदर इसका नाम जो इसकी एड्रेस है ये और पासवर्ड यहाँ से जा रहा है। So, ये जो हमारी फाइल है जिसके अंदर पासवर्ड जा रहा है, सिस्टम जो पासवर्ड टाइप करा है, हो सकता है इसका पासवर्ड यही होगा, इस फाइल को हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। अब ये जो हमारी हैंडशेक फाइल है, यानी वो फाइल जिसके अंदर पासवर्ड है, वो फाइल यहाँ से मूव हुई और पहुंची हमारे सिस्टम के पास रेडियो सिग्नल्स के जरिए ही किसी चैनल पे। और जैसे ही यहाँ पे पहुंची, सिस्टम ने उस पासवर्ड को कंफर्म करा, अगर वो पासवर्ड सही था देन इसने उसको परमिशन दे दी कि एक्सेस कर सकता है, और अब बेसिकली दोनों कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे से हैंडशेक हो गया, इन दोनों का हैंडशेक यानी हाथ मिलाना, तो उस फाइल का नाम बिल्कुल इस हिसाब से ही रखा है। तो यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो गए और दोनों अब जो 101 नेटवर्क है, जो सिस्टम है, वो इंटरनेट यूज कर पा रहा है। अब होगा क्या यहाँ पे, और चीजें भी समझते हैं कि सर अगर पब्लिक आईपी केवल ब्रॉडबैंड के पास है तो इसका मतलब है इंटरनेट पे केवल ब्रॉडबैंड ही बात कर पाता है, क्योंकि आईपी का एक रूल है
कि केवल प्राइवेट आईपी से बात कर सकती है, पब्लिक आईपी से बात कर सकती है। और प्राइवेट आईपी क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा। तो अगर हमें बाहर बात करनी है, इंटरनेट पे किसी से बात करनी है, तो बहुत ही कंपल्सरी जो चीज है, पहला जो कंपल्शन पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए। तो अगर इस सिस्टम को इंटरनेट पे किसी से बात करनी है तो ये कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि उसके पास तो केवल एक प्राइवेट आईपी है। ये जो आईपी इसको अलॉट करी गई है, ये तो ब्रॉडबैंड के जरिए प्राइवेट आईपी अलॉट करी गई है, यानी ये प्राइवेट आईपी वाला इंटरनेट पे पब्लिक आईपी पे बात ही नहीं कर सकता कभी। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो अब यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मली सारी बात इंटरनेट पे तो ये ही करेगा, केवल ब्रॉडबैंड ही इंटरनेट पे सारी बात कर सकता है। तो होगा क्या यहाँ पे कि इस सिस्टम को मान लेते हैं फेसबुक एक्सेस करना था, तो इसने क्या करा, अपना ब्राउजर ओपन करा, वहां पे लिखा facebook.com, एंटर प्रेस कर दिया। जैसे इसने facebook.com लिख के एंटर प्रेस करा, यहाँ पे एक पैकेट जनरेट हुआ जो कि जाएगा हमारे ब्रॉडबैंड के पास। इस पैकेट में क्या है, इस पैकेट में है कि भाई मेरे को फेसबुक एक्सेस करना है, फेसबुक की रिक्वेस्ट, साथ ही साथ इस सिस्टम का मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और ये सारी डिटेल्स हमारे ब्रॉडबैंड के पास सेव हो जाएगी। ब्रॉडबैंड क्या करेगा, इसका एक पैकेट बनाएगा, कौन सा, फेसबुक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट का पैकेट जो है वो शेयर कर देगा इंटरनेट पे। अब इंटरनेट क्या करेगा, फेसबुक सर्वर पे जाएगा, फेसबुक सर्वर के जरिए रिक्वेस्ट को देखेगा, अगर रिक्वेस्ट जेन्युइन होगी, सब कुछ सही होगा, तो वो उसका रिप्लाई देगा। तो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसको हम रिप्लाई कहते हैं बेसिकली, ये रिस्पॉन्स आएगा सीधा हमारे ब्रॉडबैंड के पास। क्यों? बिकॉज ब्रॉडबैंड ने जब इस पैकेट को भेजा तो इस पैकेट के अंदर आईपी किसकी गई, आईपी जाएगी ब्रॉडबैंड की, पब्लिक आईपी, बिकॉज प्राइवेट आईपी तो बात ही नहीं कर सकती। तो पब्लिक आईपी जो है वो यहाँ पे गई इस पैकेट के साथ इस सिस्टम पे, कि सर ये वाला जो सिस्टम है जिसकी आईपी 82.10.250.19, ये सिस्टम आपको एक्सेस करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। फेसबुक ने बोला ओके, कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स भी इसी के पास आएगा वापस। तो जैसे ही इस डिवाइस के पास रिस्पॉन्स आया, ये सबसे पूछेगा Who has 192.168.0.101। अब क्योंकि 101 हमारे सिस्टम की आईपी है, तो ये बोलेगा यस आई हैज 101। जैसे ही ये बोलता है, ये पैकेट जो था ये सिस्टम को शेयर कर देगा। इस तरीके से बेसिकली ये सारे सिस्टम इंटरनेट यूज कर पाते हैं, फिर चाहे वो एक मोबाइल हॉटस्पॉट ही क्यों ना हो। मान लेते हैं एक वक्त के लिए कि ब्रॉडबैंड यहाँ पे नहीं है, ब्रॉडबैंड की जगह यहाँ पे है एक एंड्रॉइड डिवाइस जिसका हॉटस्पॉट ऑन है, तो ये सभी यूजर्स इससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस केस में ब्रॉडबैंड कौन है? तो यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड है वो है इस मोबाइल के अंदर पड़ी हुई सिम, जो सिम है वो असली ब्रॉडबैंड है, वो हमें आईएसपी के द्वारा मिली है, उसमें हम रिचार्ज कराते हैं, उसमें हमें इंटरनेट मिलता है। हमने क्या करा, उस सिम के बाद हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में ऑप्शन था ब्रॉडबैंड बनने का, तो हमने हॉटस्पॉट ऑन करा। जैसे ही हमने हॉटस्पॉट ऑन करा, हम बन गए ब्रॉडबैंड, हम यानी हमारी सिम। ये डिवाइस की भी खुद की एक प्राइवेट आईपी है, ये ब्रॉडबैंड नहीं है, ब्रॉडबैंड है तो केवल वो सिम है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी यूजर इससे कनेक्ट हुए, सेम प्रोसेस, हैंडशेक फाइल गई, सब कुछ सेम हुआ। इस यूजर ने फेसबुक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करी, वो जाएगी हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के पास यानी हमारे सिम के पास, वो सिम उस रिक्वेस्ट को भेजेगी इंटरनेट पे अपनी पब्लिक आईपी से, पब्लिक आईपी केवल होगी हमारे सिम के पास। जैसे ही उसका रिप्लाई आएगा हमारे सिम के पास, सिम पूछेगा Who has 192.168.0.101, तो जैसे ही ये बोलेगा यस आई एम 0.101, हमारी सिम वो पैकेट इसको शेयर कर देगी। क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही प्राइवेट आईपी में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये नेटवर्क जो वाईफाई है ये वर्क कर रहा है। असल में वाईफाई को क्या चाहिए, एक एआरपी पैकेट, ताकि पता पड़े किसके पास क्या आईपी है। दूसरी चीज, सारा डेटा हमारे वाईफाई से ही होके जाता है, हमारे वाईफाई से जो राउटर के पास पहुंचता है, राउटर उसको आगे भेजता है। तो ये सारा वर्क तो हो गया हमारे राउटर का, चाहे वो सिम हो चाहे वो डिवाइस हो। वाईफाई क्या कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है रेडियो सिग्नल्स वेव्स के जरिए। तो यहाँ पे जो रेडियो सिग्नल्स मूव हो रहे हैं वो अलग अलग चैनल पे हो रहे हैं, यानी ये जो डिवाइस कनेक्ट हुआ, ये जो हमारा हॉटस्पॉट ऑन हुआ, ये मान लेते हैं चैनल नंबर 11 पे हुआ। तो जितने भी यूजर्स हैंडशेक फाइल भेजेंगे, कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे या अपना कोई भी डेटा भेजेंगे, वो कौन से चैनल पे भेजेंगे, चैनल नंबर 11। और ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा ब्रॉडबैंड जो है वो चैनल नंबर 11 पे ही रेडियो सिग्नल जनरेट कर रहा है या रीड कर रहा है। जैसा कि हम आईपी में बात करते हैं पोर्ट लिसनिंग, या फिर बात करने की बेसिकली मैसेज शेयरिंग करने की और लिसनिंग की, तो एक ही पोर्ट होती है, वैसे ही यहाँ पे भी एक ही पोर्ट होगी, वो है चैनल। सो स्टूडेंट्स, ये था एक वाईफाई का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने वाईफाई की कुछ स्मॉल वर्किंग्स देखी। इसके बारे में और डिटेल में हम सारी चीजें देखने वाले हैं, कहाँ कहाँ कमियां होती है। और कमियों से एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये सिस्टम इस वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए केवल एक ही चीज मांगता है, इस वाईफाई का ESS ID। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेज में और कई सिस्टम्स में, ये आज के टाइम पे बहुत बड़ी कमी है। वो क्या है कि हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में अगर हम किसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, मान लेते हैं एक वाईफाई है जिसका नाम है WsCube, हम आज उससे कनेक्ट हो गए पासवर्ड सही डाल के, या फिर ओपन था तो कनेक्ट हो गए। फ्यूचर में अगर हम चाहें जाना चाहे, जैसे ही हम उस वाईफाई की रेंज में जाते हैं और अगर हमारे डिवाइस का वाईफाई ऑन है, तो ये वाईफाई उस हॉटस्पॉट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है बिना हमारे चाहे।
अगर हम नहीं भी चाह रहे तो भी कनेक्ट हो जाता है, ये काफी बड़ी कमी। और ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज वो रीड करता है केवल ESSID जो कि होता है इस वाईफाई का नाम, जो कि था WsCube। तो जहां भी वो जाए उसको WsCube का नाम का कोई भी वाईफाई दिखेगा तो जो पासवर्ड उसके पास सेव था वो वहां पे शेयर कर देता है। ये कमी है, यानी वो मैक एड्रेस मैच नहीं करता पहले, वो सीधा उस नाम के हिसाब से डेटा ट्रांसफर कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है जिसको अब सुधारने पे वर्क करा जा रहा है हमारे WPA3 में या फिर उसके आने वाली टेक्नोलॉजीज में। तो उम्मीद है ये जो मैंने आप सभी को समझाया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनको भी स्टडी कर लेते हैं साथ ही साथ, जैसा कि हमारे वाईफाई डिवाइस के अंदर कितने तरीके के मैलवेयर, कितने तरीके के अटैक्स होते हैं, थ्रेट्स कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या कमियां होती है नॉर्मली एक वाईफाई डिवाइस के अंदर, इसको अच्छे से समझेगा क्योंकि ये सारे अटैक्स हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला थ्रेट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये क्या है? डॉस अटैक होता है एक ऐसा अटैक जिसमें बेसिकली एक सिस्टम, एक अटैकर सिस्टम एक नॉर्मल सिस्टम पे इतना ज्यादा डेटा भेजता है, इतना ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग के लिए भेजता है कि ये जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है ये हैंग हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा नॉर्मली, अगर इसको हम इतना ज्यादा टेक्निकली ना देखें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके डिवाइस में आपने इतने सारे प्रोसेसेस खोल लिए कि आपका डिवाइस अब सही से काम नहीं कर पा रहा, हैंग हो रहा है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है आज के टाइम में। हम कोई भारी सॉफ्टवेयर, कोई फोटोशॉप, कोई वीडियो एडिटिंग का या कोई भी गेम भी इंस्टॉल करते हैं, अगर आप सभी करते होंगे, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है बिकॉज वो कंपैटिबल नहीं होता उसके लिए। तो यहाँ पे जब वो हैंग हो रहा है, वो सेम चीज जब हम एक अटैकर मशीन के जरिए करते हैं तो उसको हम कहते हैं डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इस अटैक में हो क्या रहा है, एक अटैकर एक विक्टिम सिस्टम पे इतना ज्यादा डेटा भेज रहा है प्रोसेस होने के लिए कि वो विक्टिम सिस्टम हैंग हो रहा है, वो विक्टिम सिस्टम सारे प्रोसेसेस कर नहीं पा रहा है। और उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट इन होगा कि ये बेसिकली क्रैश हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा, सही से वर्क नहीं करेगा, यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का वो बंद कर देगा। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं डॉस अटैक। ये सेम चीज होती है हमारे वाईफाई के अंदर, हमारे वाईफाई के अंदर बिकॉज वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, रेडियो सिग्नल्स के जरिए कोई भी डेटा ट्रांसफर करा जा सकता है, तो डॉस अटैक परफॉर्म करना बहुत ही आसान होता है। और यहाँ पे कुछ डॉस अटैक की टेक्निक्स भी लिखी हुई है, कुछ और भी जो टेक्निक्स के बारे में हम देखेंगे वहां पे डॉस अटैक ही यूज लिया जा रहा है। तो देखते हैं बेसिकली और क्या क्या है यहाँ पे। पहला है डी ऑथेंटिकेशन फ्लड। अब एक बात ध्यान रखिएगा, डॉस अटैक यानी क्या है, किसी भी डेटा का खूब सारा फ्लो, यानी किसी सिस्टम पे डेटा का इतना फ्लो भेज दो, इतना इनपुट भेज दो कि वो हैंग होने लग जाए, यानी फ्लडिंग कर दो, बहाड़ लिया वहां पे। तो जहां भी आपको फ्लड लिखा दिखे समझ लीजिएगा कि ये डॉस अटैक का एक हिस्सा है। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा अटैक आया है उसका नाम है डी ऑथेंटिकेशन फ्लड। डी ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है भाई किसी को कनेक्ट करना, किसी को ऑथेंटिकेट करना, कोई बता दे कि भाई मैं वैलिड यूजर हूं। जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड लिख के एंटर करते हैं तो वो एक ऑथेंटिकेशन पैकेट है जो लेके जा रहा है कि भाई ये जो आईडी पासवर्ड में लेके आया हूँ ये एक वैलिड यूजर का है, तो उसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। डी ऑथेंटिकेशन क्या है, यानी हम किसी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, यानी हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई आप ऑथेंटिकेट नहीं हो, आपने जो आईडी पासवर्ड दिया गलत है, आपको हटना पड़ेगा, आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, वो होता है डी ऑथेंटिकेशन। तो अब यहाँ पे जो हमारा वाईफाई अटैक है ये क्या है, ये जो डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग अटैक है ये करता क्या है कि हम एक राउटर से, मान लेते हैं यहाँ पे ये जो हमारा राउटर है, इस राउटर से कई सारे यूजर कनेक्टेड है वाईफाई के जरिए। सो वाईफाई के जरिए कई सारे डिवाइसेस हमारे इस डिवाइस से कनेक्टेड है, तो हमने क्या करा, एक अटैकर आया वो बिना कनेक्ट करे भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है, यानी वो इस राउटर से कनेक्ट नहीं होगा, बट वो कुछ ऐसे पैकेज भेजेगा जो कि इन सिस्टम्स को राउटर से डिस्कनेक्ट कर देंगे, कब तक के लिए, जब तक ये अटैकर चाहता है। तो ये बहुत ही खतरनाक अटैक है, यानी आप किसी भी यूजर को एक वाईफाई से अपनी मन चाहे टाइम के लिए डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अब आप यही चीज सोचो अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, तो यानी वहां पे उनका टाइम बहुत प्रीशियस है, उनको कोई वर्क करना है, कोई फाइल अपलोड करनी है, शेयर मार्केटिंग का हिस्सा है, म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा है, वहां पे उनको इंस्टेंट टाइम पे काफी सारी फाइल शेयर करनी होती है, अगर उसी बीच उनका इंटरनेट रुक जाए, क्योंकि इसके लिए तो यूजर को जो अटैकर है उसको विक्टिम से कनेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है, राउटर से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बिना आईडी पासवर्ड के वो किसी को भी डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो ये होता है डी ऑथेंटिकेशन फ्लड में। फ्लडिंग का मतलब है कि उसने खूब सारे पैकेज भेज दिए ताकि कोई भी यूजर कनेक्ट ही ना हो पाए या मन चाहे यूजर कनेक्ट ना हो पाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ऑथेंटिकेशन फ्लड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है राउटिंग अटैक, यानी बेसिकली राउटर जो जगह है, राउटर से जो डेटा आ जा रहा है उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करना, कुछ ऐसे मैनिपुलेशन करना जिसके बाद आप आते जाते डेटा पे नजर रख सको, पूरा जो रूटी जो उसका राउट रूट है, जो आने जाने का रास्ता है उसको ट्रैक कर सको और उसमें छेड़खानी कर सको, तो वो होता है हमारा राउटिंग अटैक।
नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन फ्लड, जो कि आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे, फ्लड यानी डॉस का हिस्सा है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि वहां पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना, और ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट अगर एक सिस्टम पे आ रही है, हमारे राउटर के पास अगर लगातार कई सारी कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो सही से परफॉर्म करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको हर कनेक्शन पैकेज जो आ रहा है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा, और ये लेगा उसका प्रोसेस। और अगर लगातार कई सारी आ रही है तो इतना ज्यादा प्रोसेस वो एक साथ करेगा तो डेफिनेटली हैंग होगा, बाकी सिस्टम्स को सही से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन फ्लड, क्लियर होगा आप सभी को। एआरपी कैशियर पॉइजनिंग अटैक, ये काफी अच्छी चीज है बेसिकली। एआरपी क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब एआरपी कैशियर पॉइजनिंग अटैक क्या है? ये एक ऐसा अटैक है जिसमें बेसिकली हम एआरपी को पॉइजन कर रहे हैं, एआरपी को खराब कर रहे हैं। कैसे करते हैं हम एआरपी को खराब? अब एआरपी में कुछ ऐसे पैकेज भेज रहे हैं या पैकेज का फ्लो इतना ज्यादा रख रहे हैं कि जो भी एआरपी का रिकॉर्ड हो रहा था वो हो जा रहा है खराब। इसको हम कहते हैं एआरपी कैशियर पॉइजनिंग। प्रैक्टिकली कैसे वर्क करते हैं सारे अटैक्स, ये हम करके देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और उनको सुधारा कैसे जाए ये भी साथ ही साथ देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेविंग अटैक। पावर सेविंग अटैक क्या होता है? एक ऐसा अटैक जिसमें बेसिकली हम हमारे सिस्टम को स्लीप मोड में ले जाते हैं ताकि बाकी सारे यूजर्स उससे कनेक्ट ना हो सके, यानी जो सिग्नल्स है उनके जरिए हम दिखाएंगे कि हमारा जो राउटर है वो है स्लीप मोड में, जिसके जरिए कोई भी डिवाइस उससे कनेक्ट ना हो पाएगा। तो इसको हम कहते हैं पावर सेविंग अटैक। कैसे काम करते हैं हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको भी। देन हमारे पास है टीकेआईपी एमआईसी एक्सप्लॉयटेशन। नाउ ये क्या है? एक्सप्लॉयटेशन वर्ड जहां भी आए आप समझ जाइएगा कि कमी के जरिए एक्सप्लॉयट करके सिस्टम का एक्सेस लिया जाता है, यानी हमारे राउटर में कमी होती है जो कि है टीकेआईपी की कमी। सो टीकेआईपी एमआईसी की जो एक्सप्लॉयट है उसका यूज लेके बेसिकली राउटर का एक्सेस ले लिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा वल्नरेबल है। इसके बारे में हम काफी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, कुछ आइडिया ले रहे हैं हम इनका टेक्निक्स का सारे का। एक्सेस पॉइंट थेफ्ट। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? बेसिकली एक्सेस पॉइंट होता है सिस्टम का एड्रेस जहां से वो कनेक्ट होगा, जहां पर बातचीत करेगा। तो एक्सेस पॉइंट थेफ्ट यानी किसी का आईपी चुरा के खुद रख लेना, जिसको हम बेसिकली स्पूफिंग भी कहते हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास डिसोसिएशन अटैक है। डिसोसिएशन अटैक होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा अटैक है जिसमें बेसिकली राउटर से यूजर में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस कनेक्शन को अगर हम ब्रेक कर दें तो उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन अटैक। इस अटैक के जरिए हम सिस्टम का जो कनेक्शन है वो ब्रेक कर सकते हैं, तो वो अटैक यहाँ पे यूज करा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ईएपी फेलियर। ईएपी फेलियर बेसिकली क्या होता है? एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें टेलर्स भी यूज होता है, तो जब ये मिसकॉन्फिगर्ड हो, यानी यहाँ पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई ना करी गई हो, तो ईएपी फेलियर अटैक परफॉर्म करा जाता है जिसमें ऑथेंटिकेशन की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं करी गई होगी। इसके बाद आता है हमारे पास बीकन फ्लड। एंड बीकन फ्लड अटैक क्या है? ये एक ऐसा अटैक है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि कई सारे एपीएन से रिलेटेड, बेसिकली जो ईएसएस आईडी होती है उससे रिलेटेड कई सारे यूजर्स बना दिए जाते हैं, जो कि यूजर्स को कंफ्यूज करते हैं कि वो किससे कनेक्ट हो, जिसके जरिए अगर कोई आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है तो इससे उसको काफी नुकसान हो सकता है, बिकॉज सारा डेटा आखिर में तो ब्रॉडबैंड से होते हुए ही ट्रांसफर होता है, तो उसके बाद काफी कंट्रोल हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बीकन फ्लड। अब फ्लडिंग यहाँ पे क्यों हो रही है? फ्लडिंग के जरिए बेसिकली यूजर कंफ्यूज हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ थ्रेट्स नए भी हैं जिनके बारे में हम और पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस हैकिंग मेथोडोलॉजी। नाउ ये सारी अटैक्स पढ़ने के बाद, वाईफाई की वर्किंग पढ़ने के बाद, जो मेन और इंपॉर्टेंट हिस्सा बच गया है वो ये है कि वाईफाई को हैक करने का तरीका क्या है, क्या स्टेप्स है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके जरिए हम वाईफाई को हैक करते हैं। इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं ताकि हम अलग अलग अटैकिंग टेक्निक्स के प्रोसेस थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं पर करीब करीब सेम रहेंगे, एंड उन्हीं प्रोसेस के जरिए हम इस वाईफाई को कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे और सिक्योर भी उसी प्रोसेस से करेंगे। सो सबसे पहला है वाईफाई डिस्कवरी, यानी वाईफाई को डिस्कवर करना, आसपास जो भी वाईफाई का नाम है उसकी रेंज में जाना, उसको डिस्कवर करना। देन उसकी जीपीएस मैपिंग करना, यानी ये कंफर्म करना कि वो हमसे कितना दूर है, किस जगह पे वो लगा हुआ है, कितना ज्यादा डिले हो सकता है, बेसिकली कितना दूर हो सकता है, ताकि जितना हम उसके पास जाएंगे हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, हमारे वाईफाई की जो अटैकिंग टेक्निक्स है वो फास्ट परफॉर्म कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस ट्रैफिक एनालिसिस, यानी जो भी डेटा आया जा रहा है उसको एनालिस करना, उसको मॉनिटर करना, उस पर नजर रखना, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करना और सेव करना। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाईफाई ट्रैफिक एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्च ऑफ वायरलेस अटैक्स। अब क्योंकि हमने वायरलेस ट्रैफिक को एनालिस करा है, आते जाते डेटा को रीड करा है, वहां पे बैनर ग्रैबिंग भी करी है, वाईफाई के बारे में और डिटेल्स भी ली है, तो अब हमें जो भी अटैक वहां पे सूटेबल लगेगा उस ट्रैफिक के हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से जो हमने कलेक्ट करा है, वो अटैक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे लॉन्च ऑफ वायरलेस अटैक, कोई भी अटैक हम अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास डेटा क्या इंटरसेप्ट हुआ है। नेक्स्ट है वाईफाई इंक्रिप्शन क्रैकिंग। कहीं भी अगर कोई इंक्रिप्शन अप्लाई करी गई है तो हमने काफी डेटा कलेक्ट कर लिया होगा, हमें सारी चीज समझ आ जाएगी, तो उस इंक्रिप्शन को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, ये चीजें ध्यान रखेंगे हम इसमें।
देन हमारे पास आता है कॉम्प्रोमाइज द वाईफाई नेटवर्क, जो कि फाइनल स्टेप है। बिकॉज अगर हमने इंक्रिप्शन को क्रैक कर लिया है, अगर हमने अटैक को लॉन्च कर दिया है, तो अब जो फाइनल स्टेप बचेगा वो बस कॉम्प्रोमाइज करना बचेगा, यानी उस सिस्टम पे पूरा एक्सेस ले लेंगे हम, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइजेशन। तो यहाँ पे ये है वाईफाई अटैकिंग की मेथोडोलॉजी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाईफाई, यानी यहाँ पे कुछ वाईफाई की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एंटिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे कंप्लीट वाईफाई की वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और उसके जो प्रोटेक्शन है उसमें यूज आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेसिकली यहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले। तो सबसे पहला जो हमारा है वो ऑपरेटिंग मोड्स, वाईफाई के अंदर कितने ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं और वो ऑपरेटिंग मोड्स क्या काम आते हैं, ये दोनों चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटिंग मोड्स हैं, जिसमें से पहला है हमारा मॉनिटर मोड एंड दूसरा है मैनेज मोड। अब ये दोनों मोड्स है क्या, बेसिकली जब भी हम एक वाईफाई अडेप्टर को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं या फिर जो बाय डिफॉल्ट अडेप्टर हमारे सिस्टम में ऐड है, इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर जब भी हम IW config यानी वाईफाई डिटेल्स देखते हैं, उन डिटेल्स के अंदर बेसिकली हमें यहाँ पे शो होता है मैनेज मोड। अगर आप मोड देखेंगे तो उसके आगे मैनेज लिखा हुआ होगा, जिसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल यूजर है, ये नॉर्मल सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए, हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने के लिए बनाया है। बट यहाँ पे ये मॉनिटर मोड क्या है, तो जब भी हम वाईफाई में कुछ एडवांस ऑप्शंस करना चाहते हैं, अब यहाँ पे एक वर्ड आया जैसे मॉनिटर, तो मॉनिटर है क्या बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें हमारी क्लासेस का, जब स्कूल्स में पढ़ते थे या कॉलेजेस में, तो वहां पे एक हेड बॉय यानी एक मॉनिटर हुआ करता था, जो कि ध्यान रखता था सभी बच्चों का कि कौन क्या कर रहा है, वो हर एक्टिविटी पे नजर रखता था। एग्जैक्टली सेम होता है यहाँ पे वाईफाई के अंदर भी, मॉनिटर मोड में जो हमारी वाईफाई स्टिक है, वाईफाई अडैप्टर है, उसके अंदर हम करते क्या है, एक मॉनिटर मोड नाम की सेटिंग होती है जो उसको अप्रूव कर देती है कि वो आसपास का सभी डेटा इंटरसेप्ट कर सके, मॉनिटर कर सके। तो उसी के जरिए बेसिकली हम वाईफाई की काफी हैकिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मॉनिटर मोड हम हैकर्स के लिए बनाया गया है या फिर कुछ और एडवांस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाया गया है, जिसके जरिए हम किसी वाईफाई से बिना कनेक्ट हुए उसकी काफी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। सो वो आता है हमारे यहाँ पे मॉनिटर मोड के अंदर। तो ये नाम याद रखिएगा, आगे हम सेटिंग्स करेंगे जब, तो हमें अच्छे से कंफर्म होगा कि मैनेज मोड को चेंज करके हम कन्वर्ट करेंगे मॉनिटर मोड में, ताकि आने वाला सारा डेटा हम इंटरसेप्ट कर सके। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एंटिटीज के बारे में समझते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाईफाई चैनल्स। अब वाईफाई चैनल्स क्या होता है, तो बेसिकली ये तो हमें पता है वाईफाई करता क्या है, रेडियो सिग्नल्स के जरिए बातचीत करता है, जिसको एज इन डेटा वो ट्रांसफर करेगा। बट यहाँ पे जो रेडियो सिग्नल्स है ये किसी रास्ते से जाएंगे, और ये जो रास्ता है इसको हम कहते हैं चैनल्स। सो जितने भी चैनल्स है वो एक लेवल की फ्रीक्वेंसी रखते हैं, एक नंबर से एक नंबर के बीच की फ्रीक्वेंसी रखते हैं, और अगर उस फ्रीक्वेंसी पे कोई डेटा मूव हो रहा है तो वो चैनल वहां पे यूज में होता है। तो चैनल एग्जैक्टली क्या है, इन पॉइंट्स के जरिए बेसिकली हम समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स, यानी होता क्या बेसिकली वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स है तो कई सारी फ्रीक्वेंसीज होगी, उन फ्रीक्वेंसीज के बैंड्स बनाए जाते हैं, और उन बैंड में से जो स्मॉल बैंड्स होते हैं, यानी उनको जब छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं उन बैंड्स का, तो उनको हम कहते हैं चैनल्स। यानी वाईफाई के जो बैंड्स हैं, जो बड़े बड़े बैंड्स हैं, उनका जब हम स्मॉल पार्ट बनाते हैं, छोटे छोटे बैंड्स बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल बैंड्स यानी चैनल्स। एंड यहाँ पे ये क्या है, ये बेसिकली एक मीडियम टू कनेक्ट है, यानी बात करने का एक जरिया है। जो डेटा ट्रांसफर होगा वो किसी चैनल के जरिए ही हो पाएगा। सो यहाँ पे बैंड्स क्या है यानी चैनल्स क्या है, वो मीडियम टू कनेक्ट है, डेटा को रिसीव या शेयर करने में काम आते हैं। सो इसके बाद बेसिकली जो हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के वाईफाई यूज करते हैं, जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अगर मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे टोटल 11 चैनल्स मेरे को मिलते हैं, यानी टोटल 11 चैनल्स होते हैं जिनको यूज कर सकता हूँ मैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। बट उसी जगह पे जो कि अब एडवांस आ रहा है हमारा 5 गीगाहर्ट्ज़ का, अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी वाला वाईफाई यूज ले रहा हूँ, तो वहां पे हमारे पास होते हैं 45 चैनल्स, यानी 45 रास्ते होते हैं डेटा की शेयरिंग के लिए। उनमें से कोई भी एक चैनल सिलेक्ट करा जा सकता है, डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेट पे। सो यहाँ पे ये पूरा है जो हम फॉर्मेट अभी हमने समझा है चैनल एग्जैक्टली है क्या। एक और बार कंक्लूजन निकाल लेते हैं यहाँ पे इसका, कि वाईफाई की जो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी बैंड यानी जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है, जब हम उनके छोटे ग्रुप्स बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं चैनल, जो कि हमारे काम आता है कम्युनिकेशन में। एंड साथ ही साथ यहाँ पे दो तरीके के चैनल्स हमें मिल जाएंगे, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ का। तो ये जो 2 गीगाहर्ट्ज़ के हमारे डिवाइसेस हैं, ये अलग अलग चैनल्स पे काम करते हैं। जो 2.4 है वो 11 चैनल्स पे वर्क करेगा, एंड जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का हमारा डिवाइस था वो काम करेगा 45 चैनल्स पे। सो ये है चैनल्स के बारे में, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं वाईफाई मेजर कंसर्न्स एंड डैमेजेस, यानी वाईफाई में मेजर कंसर्न्स क्या रहते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, क्या डैमेजेस रहते हैं नॉर्मली वाईफाई के अंदर।
ये सारी चीजें समझेंगे जो कि अब हम रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने वाले हैं। तो एक बार थ्योरेटिकली इन सारी चीजों को देख लेते हैं ताकि हम इन चीजों को प्रैक्टिकली अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आया है वो है सिक्योरिटी, जिसके बारे में हम कंप्लीट प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं। तो अब ये सिक्योरिटी में कमियां क्या क्या रह जाती है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप सभी को दे देता हूँ। जब हम नेटवर्किंग पढ़ रहे थे तो हमने एक बात देखी कि यहाँ पे ESSID होता है, BSSID होता है। ESSID जो है वो हमारे वाईफाई का नाम होता है और BSSID होता है हमारे वाईफाई का मैक एड्रेस। सो अब कोई भी डिवाइस, अगर हमारा एक नॉर्मल एंड्रॉयड डिवाइस किसी वाईफाई से हॉटस्पॉट से कनेक्ट होना चाहता है तो वो कनेक्ट कैसे होता है कि अगर उसके पास उस नाम के वाईफाई का पासवर्ड पहले से सेव है तो वो ऑटो कनेक्ट हो जाता है, और अगर उस सेम नाम का कोई दूसरा हॉटस्पॉट भी चालू हो गया जिसके अंदर सेम पासवर्ड है या फिर पासवर्ड नहीं है तो वो उस डिवाइस से भी कनेक्ट हो जाएगा। यानी ये एंड्रॉयड डिवाइस में कमी है, यानी हमारा जो वाईफाई है जो हॉटस्पॉट से कनेक्ट होता है उसमें कमी है कि वो ऑथेंटिकेशन नहीं लेता अपने कनेक्शन वाले डिवाइस के, अपने होस्ट डिवाइस का कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लेता है, वो बस नाम चेक करता है, अगर ESSID सेम है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। ऐसी ही कई सारी कमियां हमारे वाईफाई डिवाइस के अंदर होती है जो कि उसको सिक्योरिटी लूप होल बना देती है, और इन्हीं कमियों की वजह से बेसिकली एक वाईफाई डिवाइस के जरिए काफी नुकसान करा जा सकता है। तो इन कमियों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या क्या कमियां हैं, उनको सुधारा कैसे जाए, तो ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उम्मीद है आपको सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्मॉल रेंज। अब वाईफाई में एक और कमी है हमारे की जो रेंज है वो स्मॉल होती है। अगर एक घर में लगाया तो घर से हल्का सा दूर जाते हैं, यानी उस रेंज से बाहर जाते हैं, हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाता है, रेंज जो है वो काफी छोटी होती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बेसिकली हेल्थ कंसर्न्स रह सकते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है बिकॉज वाईफाई रेडियो सिग्नल्स पे काम करता है तो उससे रिलेटेड कुछ हेल्थ कंसर्न्स रह सकते हैं। इतना ज्यादा अफेक्ट तो नहीं करेंगे बट एक पॉइंट रखना जरूरी था तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ले लिया है। साथ ही साथ लिमिटेड बैंडविड्थ, जैसा कि अभी हमने देखा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का हो सिस्टम या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ का हो, जो बैंडविड्थ है वो लिमिटेड है बिकॉज रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो लिमिटेड है यहाँ पे हमारे पास, तो इस पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसा कि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले डिवाइस के साथ हम 45 चैनल्स लेके आ गए हैं, ऐसे ही और चैनल्स आते जाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और रही बात स्पीड की, तो हाँ ये एक और मेजर कंसर्न है बेसिकली कि हमारे वाईफाई डिवाइसेस में जो इंटरनेट आता है वो स्लो आता है एज कम्पेयर टू इथरनेट, एज कम्पेयर टू केबल, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली बात है कि अगर सिग्नल्स के जरिए कोई डेटा आ रहा है तो स्लो होगा एंड वायर केबल के जरिए कोई डेटा आ रहा है तो फास्ट होगा। तो यहाँ पे इस पे भी अच्छा फोकस करा जा रहा है, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर वाले वाईफाई डिवाइसेज अब हमारे पास आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ रही है। तो ये था कंप्लीट वाईफाई का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर बेसिकली हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज और एस्पेक्ट्स के बारे में समझाए, ESSID, BSSID, चैनल और बैंडविड्थ, इन सभी के बारे में समझ गए। अब ये सब समझने के बाद हम कैपेबल हो गए कि हम प्रैक्टिकल वीडियोस की तरफ बढ़ सके। वाईफाई नेटवर्क्स में डॉस अटैक कितना डेंजरस हो सकता है, जानना चाहते हैं? डॉस अटैक ऑन वाईफाई, एक वाईफाई डिवाइस पे डॉस अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसके अंदर हम कई सारी चीजें सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज डॉस अटैक क्या है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, मैक फ्लडिंग, डिस्कवरी फ्लडिंग एंड डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग, ये सारे हैं डॉस अटैक्स। तो देखते हैं बेसिकली, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, दैट व्हाट इज डॉस अटैक। सो आइए देखते हैं डॉस अटैक है क्या। बेसिकली डॉस का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक ऐसा अटैक है जो करता क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक अटैकर सिस्टम जो है वो हमारा एक विक्टिम सिस्टम पे इतना ज्यादा डेटा फॉरवर्ड करता है, इतना ज्यादा प्रोसेसिंग बढ़ा देता है बेसिकली कि विक्टिम सिस्टम हो जाता है हैंग, यानी विक्टिम सिस्टम के जो रिसोर्सेस है वो फुल हो जाते हैं और वो अच्छे से परफॉर्म ना करने की वजह से, बिकॉज उसका CPU और उसकी मेमोरी जो है वो कम्प्लीट यूटिलाइज होने लग जाती है तो बाकी प्रोसेसेस करने के लिए उसके पास पावर नहीं बचती और इसी वजह से ये हैंग होके या तो स्विच ऑफ हो जाएगा या करप्ट हो जाएगा। सो इस अटैक को, जिसमें बेसिकली एक अटैकर मशीन एक विक्टिम मशीन पे इतना ज्यादा डेटा जो यहाँ पे फ्लड कर रही है यानी बाहर ला रही है, उसको हम कहते हैं डॉस अटैक। सो अक्सर अगर आपको किसी भी अटैक के आगे फ्लडिंग लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉस अटैक की ही। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी जाए कि जो सिस्टम है वो हैंग हो जाए, इसको हम कहते हैं डॉस अटैक। सो अब डॉस अटैक के अंदर हमारे पास कई सारे अलग अलग डॉस अटैक्स आने वाले हैं, तो एक वाईफाई नेटवर्क में कैसे डॉस अटैक परफॉर्म करा जा सकता है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। बेसिकली ये जो हमारा वाईफाई डिवाइस है, इस वाईफाई डिवाइस में एक अटैकर भी होता है, एक विक्टिम भी होता है।
अगर अटैकर खूब सारे मैक एड्रेसेस यहाँ पे रिकॉर्ड रखवाए, खूब सारे आईपी एड्रेसेस यहाँ पे भेजे, या फिर इस विक्टिम सिस्टम पे खूब सारे पैकेज ट्रांसफर करे, या इस वाईफाई से कनेक्ट होने की हैंडशेक रिक्वेस्ट ही खूब सारी भेज दे, तो ये सारी चीजें कहलाएगी डॉस रिक्वेस्ट। किसी भी पैकेट को ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा साइज में अगर हम भेजे तो वहां पे परफॉर्म होता है हमारा डॉस अटैक। तो आइए देखते हैं सबसे पहला डॉस अटैक में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला डॉस अटैक है मैक फ्लडिंग का। मैक फ्लडिंग क्या होती है? बेसिकली मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, यानी हमारा मैक एड्रेस जिसके बारे में हम ये कहते हैं चेंज नहीं होगा। ये जो मैक एड्रेस है अगर मैं लगातार अपडेट कराता जाऊं हमारे राउटर की स्टेबल में जहां पे ये रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी आईपी कौन से मैक एड्रेस के पास है, अगर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली करवाता जाऊं, यानी यहां पे खूब सारे मैक एड्रेसेस रिकॉर्ड करवा दूं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे वाईफाई डिवाइस की टेबल है ये हो जाएगी फुल, एंड फुल होने की वजह से अब ये किसी और को रजिस्टर नहीं कर पाएगी। तो ये है बेसिकली हमारा डॉस अटैक। तो अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम चलेंगे हमारी काली मशीन पे, एंड काली मशीन पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया, इसकी डिस्प्ले हम थोड़ी जूम कर लेते हैं ताकि अब सभी को डिस्प्ले क्लियरली विजिबल हो। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हम एक कमांड ट्राई करेंगे और अगर वो टूल हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुआ तो पहले हम उसके इंस्टॉलेशन पे वर्क करेंगे। कमांड है हमारा मैक ऑफ। मैक ऑफ ये ऐसा टूल है जिसके जरिए हम मैक एड्रेस की फ्लडिंग यहाँ पे बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आपको रेडी शो हो रहा हो इसका मतलब है किसी टूल के इंस्टॉलिंग करने का प्रोसेस आपका अधूरा रह गया होगा। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपको सजेस्ट कर देगा कि आपको डीएनएस स्निफ या एक टूल है जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको एपीटी इंस्टॉल एंड देन उस टूल का नाम लिख के आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपका जो मैक ऑफ है वो वर्क करने लग जाएगा। मैक ऑफ कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये भेजता है खूब सारे मैक एड्रेस किसी भी सिस्टम पे जिसको हम कहेंगे मैक फ्लडिंग, और इसकी वजह से जो हमारा राउटर है उसकी टेबल फुल हो जाएगी, वो मिसबिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो डॉस अटैक है यानी मैक एड्रेस का डॉस अटैक जो है वो परफॉर्म करने के लिए हमें टूल की जरूरत है। अगर इसके बारे में और समझना है हमें तो बहुत ही यूजर सी चीज है कि हम यहाँ पे लिखेंगे मैक ऑफ डैश डैश हेल्प एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं डैश एस फॉर सोर्स, डैश डी फॉर डेस्टिनेशन, डैश ई डैश एक्स डैश वाई, और यहाँ पे कई सारी चीजें शो कर रहा है हमारे लिए क्या क्या काम का है। तो पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे मैक ऑफ then space then dash i लिखेंगे हम, जिसका मतलब है इंटरफेस। सो आई में हम बताएंगे बेसिकली कि हम किस इंटरफेस के जरिए मैक फ्लडिंग को परफॉर्म करने वाले हैं। अब क्योंकि ये वाईफाई की मैक फ्लडिंग है तो यहाँ पे मैं यूज लेने वाला हूँ एक वाईफाई अडेप्टर, और इस वाईफाई अडेप्टर को मैं कनेक्ट करूंगा मेरे सिस्टम में, और कनेक्ट करने के बाद जैसे ही मुझसे यहाँ पे परमिशन मांगी जाएगी इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगा, और उसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे यूज लूंगा। यहाँ पे परमिशन मांग रही है, मैं डिवाइस को सिलेक्ट करा ओके, एंड देन यहाँ पे जो मेरी वाईफाई स्टिक की परमिशन थी वो मैंने मेरे काली मशीन को दे दी है, वर्चुअल मशीन को दे दी है ताकि वो उसमें कनेक्ट हो जाए। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे वाईफाई स्टिक के जरिए मैक फ्लडिंग जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन कर लूंगा, एंड न्यू टैब ओपन करने के बाद जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा हम, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे आईएफ कॉन्फिग ताकि हम कंफर्म कर ले कि हमारी वाईफाई स्टिक ऐड हो गई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैन जीरो यानी डब्ल्यू लैन जीरो लिखा हुआ है जिसका मतलब है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारी वाईफाई स्टिक ऐड हो चुकी है, और कंफर्म अगर आपको करना है तो IW config लिख के आप और अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि WLAN 0 जो है कनेक्टेड है, ये इसकी सारी सेटिंग्स है। तो अब मेरे को वाईफाई स्टिक तो ऐड हो गई है, उसके जरिए अटैक करना है वो भी मैक फ्लडिंग का। तो कैसे करेंगे, वापस चलते हैं हमारे कमांड पे, एंड यहाँ पे मैं जाके लिखूंगा मैक ऑफ डैश आई एंड देन WLAN 0, एंड इसके बाद जैसा कि हम देख सकते हैं डैश एस के जरिए। सो अब यहाँ पे डैश एस जिसका मतलब था सोर्स यानी जिस पे अटैक परफॉर्म करना है उसका एड्रेस मुझे यहाँ पे देना है। तो एड्रेस ऑब्वियसली बात आपको नहीं पता होगा किस पे परफॉर्म करना है, तो नॉर्मली ही हम करते हैं हमारे राउटर पे ही, बिकॉज राउटर सारा रिकॉर्ड रखता है। तो राउटर पे अगर मैक फ्लडिंग करेंगे तो वो बहुत ही एफिशिएंट वर्क कर पाएगी, बट राउटर की आईपी क्या है तो हमें ये बात पता है कि जब भी हम आईएफ कॉन्फिग लिखते हैं तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स दिखाता है, जिसके अंदर हमें हमारे राउटर की डिटेल्स भी दिखाएगा जो कि होगी 192.168.1.255। ये जो हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है इसी के जरिए बेसिकली हमारा सारा डेटा शेयर हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसी नेटवर्क को यूज लेके यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं मैक फ्लडिंग। और अगर आपको कंफर्म करना है तो आप यहाँ पे नेट डिस्कवर लिख सकते हैं। जैसे ही आप नेट डिस्कवर लिख के एंटर करेंगे रूट प्रिविलेजेस के साथ, तो पहले सुडो एसयू दे देते हैं ओके। सो सुडो एसयू वापस सही से लिख देते हैं, एंड देन यहाँ पे सुडो एसयू लिखने के बाद मेरे को लिखना है नेट डिस्कवर, एंटर प्रेस करूंगा। तो नेट डिस्कवर लिखने के बाद क्या होगा, जितने भी मेरे आसपास के एरिया में नेटवर्क होंगे यानी लोकल एरिया नेटवर्क से जो भी सिस्टम्स में डिवाइस से जुड़े होंगे सेम वाईफाई से जुड़े होंगे उन सभी का मैक एड्रेस मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसी मैक एड्रेस के जरिए मैं यहाँ पे मैक फ्लडिंग अप्लाई करूंगा। एक और चीज मैं कंफर्म कर लेता हूँ
कि मैं किसी डिवाइस से कनेक्ट हूँ, ओके परफेक्ट। सो इथरनेट से बेसिकली डिस्कनेक्ट हो गया हूँ मैं, ताकि अच्छे से वर्क हो पाइए। एंड अब मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को स्टॉप करके एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे नेट डिस्कवर करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि जो VMware के जो मेरे हार्डवेयर जो वर्चुअल डिवाइसेस थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इनके अंदर भी मेरे पास जो है हमारे राउटर का एड्रेस आ रहा है, मैं इस पे भी अटैक कर सकता हूँ। साथ ही साथ जैसा कि मैंने IW कॉन्फिग करके देखा 192.168.1. सो जैसे ही मैंने यहाँ पे IF कॉन्फिग करा, देन मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो LAN 0 है उसका जो मेरा बेसिकली जो मेरा वाईफाई है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ उसका जो IP शो हो रहा है 192.168.1.255 शो हो रहा है। मैं चाहूँ तो इस पे भी ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है तो इस पे भी मैक फ्लडिंग कर सकता हूँ। साथ ही साथ जो पहली आईपी होती है जो कि कंफर्म होता है कि मैं राउटर की, उस पे भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा वापस इस अटैक में, यहाँ पे लिखूंगा 192.168.1.1 जो कि पहली आईपी है जो कि होगी डिफॉल्ट गेटवे मेरे राउटर की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर मैक फ्लडिंग अप्लाई करूँ, या फिर मैं चाहूँ तो 255 पे भी कर सकता हूँ। तो जो एड्रेस आप चाहे ले सकते हैं, चलो एक बार 255 है तो वही ले लेते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं इसका वर्क ही समझना है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक फ्लडिंग काम कैसे कर रही है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे मैक एड्रेसेस डायरेक्ट फ्लड हो रहे हैं हमारे सिस्टम पे, इस राउटर पे। तो इससे होगा क्या, अगर ये राउटर इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, जो कि अभी मैं नेटवर्क को खराब नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने इस एड्रेस पे करा है, तो अगर ऐसा करेगा तो जो बेसिकली राउटर है वो अच्छे से परफॉर्म करना बंद कर देगा और कोई भी सिस्टम उस राउटर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज उसकी टेबल फुल हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को यही हम रोक देते हैं, इसको हम कहते हैं मैक फ्लडिंग। सो स्टूडेंट्स, दूसरा अटैक अब जो हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं वो है डिस्कवर फ्लडिंग। ये क्या है, ये बेसिकली डिस्कवरी नेटवर्क्स होते हैं जो ARP पैकेज बार बार भेजते हैं ये डिस्कवर करने के लिए कि कितने नेटवर्क जुड़े हुए हैं और कितने नहीं जुड़े हुए। तो अगर इस ARP की फ्लडिंग करनी है तो ये डिस्कवरी फ्लडिंग यहाँ पे यूज आएगी, और इसको करने के लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी जो कि है यसनाया। यानी इसको कैसे यूज करेंगे, इसका नेम थोड़ा अजीब है यसनाया, तो बेसिकली देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे YRSINIA। सो अगर ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो हम लिखेंगे apt-get install yasnaya। एंड इसका नाम लिखने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे रिकमेंड करेगा कि इसको यूज लेने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन यूज लिया जाए, और इसकी हेल्प मेरे को बता देगी कि इसको मैं अच्छे से कैसे यूज ले सकता हूँ। तो इसका नाम लिखने के बाद हम लिखेंगे -h, एंटर प्रेस करेंगे। एंड अब अगर यहाँ स्क्रोल अप करूँ तो मैं देख सकता हूँ -G का मतलब है ग्राफिकल मोड, यानी ग्राफिकली इस टूल को भी हम यूज ले सकते हैं, और इसी ग्राफिकल मोड के जरिए मैं इस टूल को बहुत अच्छे से यूज ले पाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ yasnaya-G एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो -G के बाद बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका कंप्लीट ग्राफिकल इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। एंड इसी इंटरफेस के जरिए अब हम अटैक करने वाले हैं, वो भी डिस्कवरी का फ्लडिंग अटैक। सबसे पहले हम कुछ DHCP पैकेज बेस के कंफर्म कर लेते हैं कि कितने कनेक्टेड डिवाइसेज हैं यहाँ पे। तो मैं लॉन्च अटैक पे क्लिक करूंगा, DHCP में जाऊंगा, सेंडिंग रॉ पैकेज पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, ताकि जितने भी इस एरिया में नेटवर्क ये डिस्कवर कर सकता है वो मेरे सामने आ जाए। और जो भी यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 192.168.4.254, ये एड्रेस मेरे सामने आ गया है जो कि इथरनेट का ही है, बट नो इश्यूज, यहाँ पे हम इसके जरिए भी फ्लडिंग तो टेस्ट कर ही लेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो नेटवर्क आ रहा है हम क्या करेंगे, इस डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद हम वापस लॉन्च अटैक पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हम जाएंगे DHCP के डिस्कवर पैकेज के अंदर। DHCP में हम जाने के बाद यहाँ पहुंचेंगे सेंडिंग डिस्कवर पैकेज, जिसके आगे डॉश में टिक है, यानी ये लगातार डिस्कवर पैकेज सेंड करेगा, और इस डिस्कवर पैकेज की वजह से ARP रिक्वेस्ट जनरेट होगी खूब सारी और राउटर फिर से मिसबिहेव करना चालू हो जाएगा, और बाकी कनेक्टिव सिस्टम्स भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, इस नेटवर्क से सही से नहीं जुड़ पाएंगे। तो देखते हैं बेसिकली इसको परफॉर्म करके, जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पे DHCP फ्लडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं DHCP के केवल 2 ही पैकेज गए हैं यहाँ पे। एंड अब मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ और अब आप देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा फास्ट बेसिकली DHCP पैकेज जो है ये लगातार शेयर कर रहा है उस नेटवर्क पे। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें इथरनेट नेटवर्क ही शो हो रहे थे, तो लैन नेटवर्क के लिए हमने क्या करा, एडिट इंटरफेस पे क्लिक करा एंड यहाँ पे इथरनेट को हटा के लैन 0 को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। और ये करने के बाद, क्योंकि अब हमने इथरनेट इंटरफेस सिलेक्ट कर दिया, हमने फिर से हमारे उस अटैक को लॉन्च करा, लॉन्च पे क्लिक करा, सेंडिंग रो पैकेट पे क्लिक करा, और उससे हुआ क्या बेसिकली कि हमारा जो नेटवर्क था वो आसपास के सभी नेटवर्क्स, बेसिकली हमारा जो नेटवर्क में जितने भी लोग जुड़े हुए उनको डिस्कवर करना चालू हो गया, जिसमें सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ है ये हमारा 192.168.1.1 जो कि बेसिकली हमारा ब्रॉडबैंड है। तो इस पे हमें परफॉर्म करना है एक DOS अटैक। तो इस DOS अटैक को परफॉर्म करने के लिए हमें इसकी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे इसका मैक एड्रेस। तो हम इस मैक एड्रेस की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं एक DOS अटैक। तो इस पर क्लिक करना, लॉन्च अटैक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा DHCP की डिस्कवरी पैकेज है, यानी कनेक्शन रिक्वेस्ट के पैकेज, वो हम यहाँ पे टिक करेंगे, और जैसे ही हम अटैक स्टार्ट करेंगे
तो हमारे राउटर पे पहुंचने लग जाएगा कई सारे ARP रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट, डिस्कवरी पैकेज रिक्वेस्ट, जिसके जरिए राउटर फिर से मिसबिहेव करेगा और कनेक्टिव सिस्टम्स भी सही से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर मैं इसको ओके करता हूं तो ये अटैक स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया है तो बेसिकली हमारा जो DHCP फ्लडिंग अटैक है वो स्टार्ट हो गया है। और बहुत ही अच्छा है कि हमने यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर नहीं करा, यहाँ पे प्रॉपर मैक एड्रेस नहीं डाला, अदरवाइज मेरा नेटवर्क करप्ट हो सकता था, नेटवर्क सही से काम नहीं करता। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, आपको कुछ चेंज करना है तो केवल डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज करना है एंड उसके बाद बेसिकली आप अच्छे खासे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। सो यहाँ पे जिस तरीके से डिस्कवरी फ्लडिंग अटैक हो रहा है वैसे ही हम और भी कई सारे सिस्टम्स पे और सारी चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे कई सारे और भी अटैक्स है बट हमें यहाँ पे फ्लडिंग अटैक ट्राई करना था। तो ये दोनों चीजें हम ट्राई कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो एक और फ्लडिंग अटैक रह जाता है वो है हमारा Deauth फ्लडिंग, यानी डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग। ये है क्या बेसिकली, इसको हम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो इसको देखने के लिए बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि डी ऑथेंटिकेशन पैकेट करते क्या है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक डिवाइस है, राउटर है, उससे एक यूजर कनेक्टेड है, एक नॉर्मल यूजर कनेक्टेड है। ये नॉर्मल यूजर और एक अटैकर जो कि इस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों तो कनेक्टेड है बट ये अटैकर दूर बैठा हुआ है, बस इस रेंज में है कि इनके आसपास इनकी बातें जो है वो इंटरसेप्ट कर सके। और इंटरसेप्ट करने के लिए क्योंकि हम इस हमारे जो वाईफाई स्टिक इसके अंदर लगेगी उसको हम सेट कर देते हैं मॉनिटर मोड, तो हम आसपास के सभी डेटा को इंटरसेप्ट कर पाते हैं। अब इस इंटरसेप्शन में एक और खास बात है, अब भले ही मैं इस नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूँ, इस राउटर से कनेक्टेड नहीं हूँ, बट क्योंकि ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है और अगर मैं कुछ पैकेज भेज के इस डिवाइस को डिसकनेक्ट कर सकूं, कुछ डी ऑथेंटिकेशन पैकेज जिनको हम कहते हैं, अगर वो भेज के डिस्कनेक्ट कर सकूं और वो पैकेज लगातार भेजूं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग। और ये जो हमारा विक्टिम है ये सिस्टम से तब तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा जब तक वो डी ऑथेंटिकेशन पैकेज जा रहे हैं। तो डी ऑथेंटिकेशन बेसिकली वो पैकेज है जो किसी भी एक सिस्टम को जो राउटर से कनेक्टेड है उन दोनों को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं केवल कुछ पैकेज को सेंड करके, और इसके लिए एक अटैकर को उस नेटवर्क में कनेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सेम चीज करने वाला हूँ, बेसिकली डी ऑथेंटिकेशन पैकेज सेंड करूंगा किसी भी एक नेटवर्क के किसी विक्टिम सिस्टम को ताकि वो उस हॉटस्पॉट से डिस्कनेक्ट हो जाए, उस राउटर से, उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाए। और अगर ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये कहलाता है फ्लडिंग, बिकॉज यहाँ पे जो डी ऑथेंटिकेशन पैकेज है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में जाने लग जाते हैं। तो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। सबसे पहले हमारी जो वाईफाई स्टिक है जो मैंने आपको दिखाया था हमने कनेक्ट करी थी, उसको हमने चेंज करना पड़ेगा मॉनिटर मोड के अंदर, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसका मोड जो है वो मैनेज्ड है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं हमारे काली मशीन में एंड काली मशीन में जाने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे प्रोसेस स्टॉप करने के लिए एंड यहाँ पे अब क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं, ओके CLEAR क्लियर। एंड अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले IW config लिखेंगे हम, और जैसे ही हम IW config लिखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा LAN 0 है उसका जो मोड है वो बाय डिफॉल्ट मैनेज सेट है, बट ये मैनेज मोड में हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम आसपास के सभी डेटा को इंटरसेप्ट कर सके, जो कि मैंने थ्योरी सेशन में बताया था मॉनिटर मोड क्या होता है, कि वो सभी को मॉनिटर कर पाता है, सब पे नजर रख पाता है, हर एक्टिविटी पे नजर रख पाता है, डेटा इंटरसेप्शन कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे इसका मोड जो है वो चेंज करेंगे। और हमें एक और बात पता है कि जब भी हम किसी हार्डवेयर डिवाइस की सेटिंग चेंज करते हैं तो पहले हम उस हार्डवेयर डिवाइस को बंद करते हैं, देन उसकी सेटिंग चेंज करते हैं, देन उसे वापस स्टार्ट करते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये कुछ ऐसा है कि हम एक चलती हुई व्हीकल में कभी उसके इंजन का वर्क नहीं करते, कभी उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, चलते हुए सिस्टम में हम कभी कुछ चेंजेस नहीं करते, पहले सिस्टम को बंद करेंगे, बाद में उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो करेंगे, बाद में वापस स्टार्ट करेंगे। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। सो W90 जो हमारा इंटरफेस है हमें इसे सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे IF config W90 एंड देन डाउन। इससे होगा क्या, हमारा जो वाईफाई इंटरफेस है ये डाउन यानी बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद हमें इसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होगी, जिसके लिए हम लिखेंगे IW config WLAN 0 एंड मोड मॉनिटर। और ये हमने क्यों लिखा है, बिकॉज इसका ये जो मोड था यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड था ये था मैनेज्ड, हमें इसी मोड की सेटिंग्स चेंज करनी है और क्या करना है इसको बनाना है मॉनिटर मोड। तो इसको बनाने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे लिखा है LAN 0 मोड मॉनिटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी, बट हमें एक और चीज करनी पड़ेगी, जिस इंटरफेस को हमने डाउन करा उसको वापस अप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे IW config LAN 0 एंड देन अप, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ अब मेरा जो इंटरफेस है उसका मोड जो है वो चेंज हो चुका है मैनेज से मॉनिटर, यानी वो अब सभी डेटा पे इंटरसेप्शन सभी डेटा पे नजर रख सकता है जैसा कि हमारी क्लास में मॉनिटर रखता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं IW config एंटर प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं LAN 0 इंटरफेस दिखा रहा है और इसका मोड जो है वो मॉनिटर दिखा रहा है, यानी हमारे जो स्टेप था ये सक्सेसफुली हो चुका है।
अब हमें करना क्या है, सबसे पहले देखना है हमारी रेंज में क्या क्या नेटवर्क्स है, तो ये भी हम कमांड्स के जरिए देखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज हम मॉनिटर मोड में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरोडंप एनजी, जिसके जरिए बेसिकली हम हमारे आसपास के सभी नेटवर्क को, सभी डेटा को इंटरसेप्ट कर पाएंगे और देख पाएंगे हमारे आसपास कितने नेटवर्क्स अवेलेबल है, भले ही उनसे हम कनेक्ट हो चाहे नहीं हो, हम उनकी काफी डिटेल कैप्चर कर सकते हैं केवल यहीं से मॉनिटर मोड के जरिए। जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने एरोडंप लैन जीरो लिखा था। अब यहाँ पे जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सारी डिटेल्स दिखे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं BSSID, पावर बैकन्स, MB एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की जो चीजें और ESSID, ये सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं WsCube स्टूडियो और कई सारे वाईफाई नेटवर्क जो मेरी रेंज में है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे BSSID क्या है, अगर आपने थ्योरी सेशन अच्छे से देखा है तो आप बता सकते हैं कि सर BSSID जो है वो उस राउटर का मैक एड्रेस है, जो वाईफाई डिवाइस है, जो हॉटस्पॉट है उसका मैक एड्रेस क्या है BSSID, उसका नाम क्या है ESSID एंड चैनल देखें अगर हम यहाँ पे कौन से चैनल पे वर्क कर रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं, चैनल 11 पे कोई डिवाइस वर्क कर रहा है, कोई चैनल 1 पे कर रहा है, सबके चैनल्स अलग है, सभी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में वर्क कर रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिकॉज सबकी रेंज जो चैनल 11 है उसके अंदर ही है। तो ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पावर हमें ये बताता है कौन सा सिस्टम हमसे कितना दूर है, कितना पास है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, WsCube स्टूडियो का जो वाईफाई है उसके जरिए उससे जो भी सिस्टम कनेक्टेड है उसको हम करेंगे डिसकनेक्ट। कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को क्लोज करेंगे कंट्रोल सी के जरिए, मैंने क्विटिंग कर दिया है। अब मेरे को चाहिए है तो केवल ये BSSID चाहिए है जिसपे सारा डेटा है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और साथ ही साथ जिस चैनल पे लोग वर्क कर रहे थे तो चैनल था 11, BSSID मैंने कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा एरोडम पेनजी लैन जीरो डैश डैश BSSID एंड यहाँ पे जो BSSID थी वो पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा डैश डैश चैनल्स एंड चैनल्स में बेसिकली मेरे को पता है कि चैनल नंबर 11 है तो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर दूंगा। और इसके बाद क्योंकि मैंने चैनल और मैक एड्रेस दोनों ही बता दिया है कि किसको अब इंटरसेप्ट करना है, सारा ध्यान अब किस पे लगाना है कि इस मैक एड्रेस पे जो कि इस चैनल पे काम कर रहा है, ये दोनों बातें मैंने बता दी है। तो अब यहाँ पे मेरा काम बनता है कि जो भी डेटा इंटरसेप्ट हो रहा है वो उसको मैं कहीं नोट भी कर लूँ ताकि मेरे अगर कोई काम आ सकता है तो आ जाए। तो यहाँ पे मैं डैश डैश राइट करूंगा एंड एक फाइल का नाम लिख दूंगा टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे टेस्ट नाम की फाइल मैंने क्रिएट करी है और अब जितना भी डेटा आएगा मैं उसको इंटरसेप्ट कर सकता हूँ, वो भी केवल इस वाईफाई नेटवर्क का जो कि है हमारा WsCube Tech का खुद का। तो अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ एंड जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा यहाँ पे मेरे सामने एक एरर आ गई। वो एरर क्या है, वो एरर ये है कि यहाँ पे चैनल्स लिखा है जबकि होना चाहिए था चैनल। तो CHANNEL बिल्कुल सही स्पेलिंग है, अब सब कुछ सही है और मैंने एंटर प्रेस करा और अब ये क्या करेगा, केवल नजर रखेगा तो WsCube के वाईफाई पे करेगा। तो अब इस WsCube Tech के स्टूडियो पे नजर रख रहा है और नजर रखने का मतलब क्या है, ये मेरे को यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कौन कौन से डिवाइस इससे कनेक्टेड है। तो जैसा आप स्टेशन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे जिसका भी मैक एड्रेस आ रहा है ये सारे वो डिवाइसेस है जो मेरे इस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड यहाँ पे जो मैक एड्रेस आ रहा है ये मेरे इस वाईफाई डिवाइस का यानी जो हमारा WsCube का हॉटस्पॉट है उसका मैक एड्रेस आ रहा है। तो इस मैक एड्रेस से ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब इनमें से जिसको भी चाहूँ, जितनी भी देर के लिए चाहूँ डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। ये है हमारा डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग। कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए हम न्यू टैब में जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले क्लियर कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं जो सॉफ्टवेयर का यूज लेने वाला हूँ वो है AirplayNG। ओके, सो AirplayNG लिखने के बाद यहाँ पे ये पूरा कमांड है, इसमें थोड़े से चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। AirplayNG के बाद मैंने लिखा डैश डैश Deauth, जिसका मतलब था डी ऑथेंटिकेशन पैकेज। और यहाँ पे मैंने नंबर्स में लिखा है कि कितने पैकेज भेजने हैं, 100, यानी टोटल 100 पैकेज जाएंगे और जब तक ये 100 पैकेज जा रहे हैं तब तक जो विक्टिम सिस्टम है वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और आप ध्यान रखें, अगर आपको याद हो तो मैं अभी तक WsCube का जो वाईफाई उससे कनेक्टेड नहीं हूँ, यानी बिना कनेक्ट हुए मैं उसके किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे डैश ए और डैश सी के अंदर मैं क्या मेंशन करूंगा, डैश ए में मैं मेंशन करूंगा किससे डिस्कनेक्ट करना है, यानी हॉटस्पॉट का WsCube का मैक एड्रेस, और डैश सी के अंदर मैं मेंशन करूंगा किसको डिस्कनेक्ट करना है, यानी यूजर का मैक एड्रेस। तो देखते हैं बेसिकली कितनी डिटेल सही हमारे पास। यहाँ देख सकते हैं हम 7C C5 जो है ये हमारे WsCube का वाईफाई है, तो यहाँ पे इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड ओके एंड हम यहाँ पे आएंगे और इस मैक एड्रेस को यहाँ से हटा के यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारे WsCube का मैक एड्रेस, यानी इस पर्सन से डिस्कनेक्ट करना है और किसको डिस्कनेक्ट करना है, क्लाइंट का नाम जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सो यहाँ पे हम चलते हैं और जो हमारा क्लाइंट है इनमें से किसी भी एक क्लाइंट को हम सिलेक्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ रोकता हूँ और यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इस पर्सन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं बिकॉज हो सकता है इनमें से एक हम भी हो। तो यहाँ पे हमने किसी भी यूजर को सिलेक्ट करा, उसका मैक एड्रेस कॉपी करा। नॉर्मली हम इसको क्विट नहीं करते हैं, अभी मैंने क्विट कर दिया बिकॉज मेरे को केवल एक डी ऑथेंटिकेशन अटैक ही ट्राई करना है।
और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ओके हम एक काम करते हैं क्योंकि हमारा भी डिवाइस इससे कनेक्टेड है, तो हो सकता है ये हमारा ही डिवाइस है, तो देखते हैं बेसिकली कैसे वर्क करेगा। हम यहाँ पे जुड़ गए और हमने ये मैक एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, हो सकता है ये हमारे ही डिवाइस का हो। तो अब यहाँ पे मेरा कमांड है एयरप्ले एन जी डैश डैश डीऑथ, जिसका मतलब डीऑथेंटिकेशन पैकेज है। उसके आगे मैं नंबर्स लिख के 100,000 कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी इतने पैकेज जाएंगे डीऑथेंटिकेट करने के लिए। उसके बाद डैश ए के अंदर, हाइफन ए के अंदर मैंने मेंशन करा है कि किससे डिस्कनेक्ट करना है, यानी हमारे राउटर का मैक एड्रेस। एंड हाइफन सी के अंदर मैंने मेंशन करा है क्लाइंट का मैक एड्रेस, यानी जिसको डिस्कनेक्ट करना है। तो दोनों डालने के बाद मैंने इंटरफेस का नाम डाल दिया जिसके जरिए डिस्कनेक्शन प्रॉपर सक्सेसफुली करा जाएगा। और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहां देख सकते हैं लगातार डी ऑथेंटिकेशन पैकेज जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो भी यूजर था ये यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब तक के लिए जब तक ये पैकेज खत्म ना हो जाए। इसको बीच में स्टॉप कर सकता हूं मैं कंट्रोल सी के जरिए, तो अब जो यूजर है वो वापस कनेक्ट हो पाया होगा। तो ये है हमारा डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग। बेसिकली जब तक ये पैकेज जा रहे हैं वो यूजर कुछ भी कर ले, कनेक्ट नहीं हो सकता। और कनेक्शन के लिए मेरे को बेसिकली इन दोनों को डिस्कनेक्ट करने के लिए मेरे को उस मेन नेटवर्क में कनेक्ट होने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जो वाईफाई नेटवर्क्स है उनका पासवर्ड कैसे क्रैक करा जाता है और उसे सिक्योर कैसे करा जाता है? इससे पहले कि हम इस प्रैक्टिकल प्रोसेस में जाएं जहां पे हम देखेंगे किस तरीके से हम वाईफाई पासवर्ड को क्रैक करने वाले हैं, हम एक बार लॉजिकल जो है पूरा सेटअप उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से बेसिकली हम उस वाईफाई को हैक करने वाले हैं या कैसे वो काम कर रहा है। तो आइए इस चीज को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप सभी देखिएगा एक बार कि ये है हमारा राउटर जिससे बेसिकली हम कनेक्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जो इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये जो ऑलरेडी कनेक्टेड डिवाइस है, हो सकता है ये कोई मोबाइल हो सकता है ये कोई कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो एक्स वाई जेड, बट ये वाईफाई से या केबल के जरिए सिस्टम से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये काम कैसे कर रहा है? अगर कोई भी नया यूजर यहाँ पे आता है, एक नया एंड्रॉयड यूजर आया, उसने पासवर्ड लगाया जो उस वाईफाई का पासवर्ड है और उसने सबमिट बटन पर क्लिक करा, जैसे ही वो सबमिट बटन पर क्लिक करता है यहाँ से एक फाइल जनरेट होती है और वो जाती है सीधा राउटर के पास। अब ये जो हमारी फाइल है इसको हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। ओके, सो इसको हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। हैंडशेक फाइल का मतलब हाथ मिलाने वाली फाइल, यानी दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन यानी कनेक्शन सेटअप करने वाली फाइल है ये। सो ये हैंडशेक फाइल के अंदर बेसिकली वो पासवर्ड मौजूद होता है और ये पासवर्ड यहाँ से जाता है मेन राउटर तक। राउटर उस पासवर्ड को चेक करता है, कंफर्म करता है अगर सही है, देन ये कनेक्शन इसको प्रोवाइड कर देता है, इसको एक आईपी एड्रेस अलॉट कर देगा। एआरपी रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें तो चलती रहती है, बट यहाँ पे इस तरीके से एक हैंडशेक फाइल भेज के कनेक्शन एस्टेब्लिश करा जाता है। सो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनमें से एक अटैक जो आज हम करने वाले हैं वो वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग का है, जो कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एक बार अगर यहाँ पे जो अटैकर है जो इस सिस्टम से अभी तक जुड़ा नहीं है, पर क्योंकि इसके पास है एक वाईफाई स्टिक जिसके जरिए ये अपने रेंज के किसी भी सिस्टम पे मॉनिटर मोड के जरिए नजर रख सकता है और ध्यान रख सकता है कौन सा सिस्टम क्या कर रहा है, क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा जा रहा है, वाईफाई की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको मॉनिटर मोड की तरह रीड कर सकता है। तो यहाँ पे अब इस डिवाइस के जरिए क्या होगा, ये जो हमारा राउटर है ये राउटर इस हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर लेगा। क्योंकि इसका मॉनिटर मोड इसको पावर देता है कि बिना उस डिवाइस से कनेक्ट हुए ये बीच में से इस हैंडशेक फाइल को, बिकॉज ये सारा डेटा जो स्निफ कर रहा है ये ऑलरेडी, उस स्निफिंग डेटा में से इस हैंडशेक फाइल को ये कैप्चर कर ले। एंड जैसे ही ये हैंडशेक फाइल को उठा लेगा तो अब ये जो पासवर्ड वाली फाइल है ये आ जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर और सेव हो जाएगी डॉट कैप एक्सटेंशन से। सो यहाँ पे डॉट कैप एक्सटेंशन के जरिए फाइल कैप यानी कैप्चर फाइल जो है बेसिकली उसके जरिए सारा जो हमारा पासवर्ड जो बेसिकली जो डेटा था हैंडशेक फाइल का वो सेव हो जाएगा इसके अंदर। एंड अब करना क्या है, ये कैप फाइल कोई भी ऑफलाइन किसी भी जगह से क्रैक कर सकता है, यानी इसके अंदर अगर पासवर्ड आ गया है, इसके अंदर इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, आपको क्या करना है, उन हैशेस को बस क्रैक करना है। एंड क्रैक करने के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिसके पास भी फाइल पहुंचेगी वो कहीं भी बैठा है इस वाईफाई के पासवर्ड को इजीली क्रैक कर सकता है। सो ये है प्रोसेस जो अभी आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा और कई टेक्निक्स है, तो एक बार इस प्रोसेस को अच्छे से समझेगा, कैसे एक अच्छी वर्ड लिस्ट लेंगे, कैसे इस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो यहाँ पे हमारी जो काली मशीन है वो हमने ओपन कर रखी है, इसको लॉगिन कर लेते हैं एक बार। एंड अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, क्या देखना है बेसिकली, कि हमारे पास एक डिवाइस होना जरूरी है जो कि हमने देखा जो कि एक वाईफाई अडैप्टर। सो ये वाईफाई अडैप्टर हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, इस वाईफाई अडैप्टर के जरिए हम जो है अटैक वो करने वाले हैं। बहुत ही नॉर्मल सी छोटी सी स्टिक है, अगर मेरे पास और पावरफुल स्टिक होगी तो मैं और ज्यादा रेंज में इस काम को कर पाऊंगा, बट फिलहाल ये स्टिक के अंदर मॉनिटर मोड सपोर्टेड है। तो अब मेरे को क्या करना है, बस इस डिवाइस को प्लग करना है मेरे वर्चुअल मशीन में। जैसे ही मैं इसे प्लग करूंगा, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये सेटिंग आ गई है मेरे सामने, जो कि मेरे को कह रही है कि आप वाईफाई स्टिक कहाँ यूज करना चाहते हैं, नॉर्मल होस्ट में या वीएमवेयर में।
सो मैं उसको ऐड करूंगा वर्चुअल मशीन के अंदर, वीएमवेयर में मैं काली मशीन को सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। यानी जो डिवाइस मैंने ऐड करा ये यूज कहां होना चाहिए, तो अब ये यूज होगा मेरी काली वर्चुअल मशीन के अंदर। ओके सो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं हमारी काली मशीन में, जैसे हम इस कनेक्शन पे आए हैं वायरलेस डिवाइसेस के कनेक्शन में दिखा रहे, तो यहां पे हमारे सारे इंटरफेस शो कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हम ओपन करेंगे हमारे टर्मिनल को। सबसे पहला काम जो हमारा है वो इस वाईफाई स्टिक के मोड को चेंज करना है, जो कि होगा मैनेज। एक बार कंफर्म कर लेते हैं अभी इसका मोड क्या है, इसको जूम करेंगे हम, रूट परमिशंस दे देते हैं यहाँ पे, एंड अब यहाँ पे हम लिखेंगे IW config। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं IW config लिखने के बाद WLAN 0 जो कि हमारा इंटरफेस है, हमारे वाईफाई स्टिक है उसका नाम है। तो बेसिकली इसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। यहीं पे अगर आप देखें तो ESS ID भी है और कई सारी सेटिंग्स और है, कई सारी कॉन्फ़िगरेशंस और है। हमें क्या करना है, ये जो मोड के अंदर मैनेज लिखा है इसको यहाँ से कन्वर्ट करके चेंज करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है मॉनिटर मोड में। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, एक बहुत ही ऑब्वियस बात है जो आप सभी को अब याद हो जानी चाहिए कि अगर हम किसी भी हार्डवेयर में या किसी सॉफ्टवेयर में कोई भी सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं तो पहले हम उस सॉफ्टवेयर को, उस हार्डवेयर को बंद करेंगे, देन उसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे, देन उसे स्टार्ट करेंगे। हार्डवेयर में तो बहुत ही कॉमन बात है बिकॉज हम किसी रनिंग हार्डवेयर में सेटिंग्स चेंज नहीं करते। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे IF config WLAN 0 एंड इसको हम कर देंगे डाउन, यानी इसको कर देंगे डिस्कनेक्ट, बंद कर देंगे ताकि हम इसकी सेटिंग्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है उनको चेंज कर सके। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा वायरलेस डिवाइस जो था वो डाउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे IW config WLAN 0 एंड देन मोड मॉनिटर। क्या करना क्या था हमें बेसिकली चेंज, देखो IW config के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो इंटरफेस है WLAN 0 उसके अंदर हमें सेटिंग चेंज करनी है। क्या करना है कि उसका जो मोड है उसको हमें कन्वर्ट करना है मॉनिटर मोड में, जो मोड था उसको चेंज करना है मॉनिटर मोड में। एग्जैक्टली ये चीज हमने यहाँ पे लिखी, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। बट इससे पहले कि हम सेटिंग को व्यू करें हमें हमारे वायरलेस डिवाइस को वापस अप करना पड़ेगा। WLAN 0 को वापस अप करेंगे हम, एंड यहाँ पे डाउन का जो अपोजिट है बेसिकली अप, यानी वायरलेस डिवाइस को स्टार्ट करना, वो हमने कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा IW config एंड एंटर प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इसका जो मोड है वो क्या शो हो रहा है मॉनिटर। सो यहाँ पे ये मॉनिटर मोड हमें मिल गया है। अब हम आते हैं आगे के काम में, जिसमें हमें करना क्या है बेसिकली कि सबसे पहले एक टारगेट को सिलेक्ट करना है। उस टारगेट के आगे के जो काम है वो भी साथ ही साथ देखेंगे। तो सबसे पहले टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरोडम्प एनजी एंड देन WLAN 0। यानी हमें बस एक सॉफ्टवेयर का नाम जो कि एरोडम्प एनजी एक पैकेज है उसका नाम लिखना है और इंटरफेस का नाम लिखना है कि इसके जरिए हम सारे आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स को देख पाएंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं अब मैं कमांड लाइन के जरिए आसपास के सभी वाईफाई नेटवर्क्स को देख पाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी BSS IDs आ रही है, पावर आ रही है, डेटा चैनल्स एंड काफी सारी चीजें जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। डीऑथेंटिकेशन फ्लडिंग आप सभी ने देखा होगा बेसिकली इस चीज को, अगर नहीं देखा तो डीऑथेंटिकेशन फ्लडिंग यानी डॉस अटैक का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, वाईफाई पे जो हमने अप्लाई करा है उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। ओके यहाँ पे एक इशू आ रहा है तो हमें काम करते हैं, हमारा जो वायरलेस डिवाइस है अब शायद अच्छे से नहीं हुआ है, तो हम इसको एक दो बार सही से कर देते हैं एंड आई थिंक अब सब परफेक्ट होगा। तो अब AeroDump NG LAN 0 वापस रन करेंगे तो अभी हमें आसपास के सभी इंटरफेसेस शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन इंटरफेसेस में किसी एक इंटरफेस को बेसिकली किसी भी एक ESS ID को किसी भी हॉटस्पॉट को सिलेक्ट करेंगे एंड उस पर परफॉर्म करेंगे वाईफाई क्रैकिंग का मेथड। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे WsCube Tech को ही, जिसको आप देख सकते हैं जिसके सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख रही है। इसका जो चैनल है वो 11 यानी चैनल नंबर 11 के जरिए सारा डेटा शेयर कर रहा है। इसकी पावर बता रही है कितना दूर है, BSS ID इसका मैक एड्रेस है, ESS ID इसका नाम है, जो कि आपको अभी पूरा नहीं दिख रहा है बिकॉज मैंने आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं जूम आउट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है अभी ये जूम आउट भी नहीं हो रहा बिकॉज ये रनिंग प्रोसेस में है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कर देंगे क्लोज बिकॉज हमें जो डिटेल्स चाहिए थी उन डिटेल्स में हमें चाहिए था एक BSS ID, एक चैनल, दैट्स इट। ये दो चीजें हमें चाहिए हमारे टारगेट की, जो कि हमें मिल चुकी है। ये जो हमारा WsCube Tech वाला हॉटस्पॉट है इसका जो मैक एड्रेस है, जो BSS ID है वो हमें मिल चुका है एंड साथ ही साथ ये किस चैनल पे वर्क कर रहा है ये भी हमें दिख गया। CS के अंदर हम देख पा रहे हैं चैनल नंबर 11 पे वर्क कर रहा है। तो अब यहीं पे मैं इस पे प्रॉपर स्नाइपिंग यानी प्रॉपर जो डेटा है उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करूंगा एंड देखूंगा कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, स्नाइफिंग कर सकता हूँ बेसिकली कि नहीं, और स्नाइफिंग के अंदर हैंडशेक फाइल कैसे कैप्चर कर पाऊंगा। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे AeroDump NG LAN 0 then LAN 0 को भी हम हटाते हैं, then हम लिखेंगे यहाँ पे -BSS ID -channel WLAN 0 -write और इसके आगे एक नाम। ये क्या है कमांड, क्या वर्क कर रहा है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, BSS ID के अंदर पेस्ट कर दूंगा मैक एड्रेस मेरे डिवाइस का, बेसिकली वायरलेस डिवाइस का जिसका मेरे पासवर्ड क्रैक करना है। तो मैंने यहाँ पे BSS ID के अंदर BSS ID ऐड कर दिया, -channel के अंदर मैंने चैनल नंबर ऐड करना है मेरे को। सो चैनल नंबर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, हमारा जो चैनल नंबर है वो है 11, वेरी गुड। सो 11 लिखने के बाद
अब यहाँ पे मेरे को बता रहा है इंटरफेस का नाम, जो कि बिल्कुल सही है, W9.0 के जरिए हम सारी एक्टिविटीज को करने वाले हैं। अगर आपके कंप्यूटर में दो डिवाइसेस हैं वाईफाई के, तो W9.0 W9.1 भी हो सकता है, तो जो नाम है उसका ध्यान रखिएगा, इंटरफेस का नाम ही लिखिएगा। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास केवल W9.0 है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे डैश डैश राइट का मतलब है कि अब ये जो भी डेटा इंटरसेप्ट करेगा, स्निफ करेगा, बेसिकली स्निफिंग करेगा, जो भी डेटा कोई मॉनिटर करेगा, वो डेटा कहीं स्टोर हो जाए, कहीं सेव हो जाए बेसिकली। तो मेरे को ये चीज चाहिए यहाँ पे। अब इसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे राइट के आगे एक फाइल का नाम लिख दूंगा, ताकि उस फाइल के नेम से बेसिकली सारा डेटा जो है स्टोर होता जाए। तो हम यहाँ पे नाम रख देते हैं हैक्ड। ओके, सो हमने हैक्ड नाम रखा है बेसिकली। तो अब जितना भी डेटा है वो इसी के अंदर सेव होता रहेगा, इसी से रिलेटेड फाइल्स बनाएगा। तो परफेक्ट, आई थिंक सब कुछ सही है। मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे अब जो स्कैन है वो चालू हो जाएगा। कैसा है स्कैन, यानी प्रॉपर मॉनिटरिंग अब जो है वो केवल उस सेम BSS ID यानी WsCube का जो वाईफाई था केवल उसी पे करी जाएगी। एंड अब यहाँ पे ये जो डिवाइसेस दिख रहे हैं ये क्या है, देखो BSS ID तो आप देखोगे सारी सेम है, तो इसका मतलब ये सारी BSS ID किसकी है, मेरे वाईफाई की है, WsCube Tech की है बेसिकली। एंड ये जो स्टेशन है ये वो सारे डिवाइसेस है जो इस सिस्टम से जुड़ के इंटरनेट यूज कर रहे हैं, यानी वो सारे डिवाइस जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं ये उन सबका स्टेशन, ये उन सबकी मैक एड्रेस है। एंड अब हमें करना क्या है, हमारे पास हैंडशेक फाइल दो ही केसेस में आ सकती है, जब कोई नया यूजर जुड़ रहा हो, या फिर अगर किसी पुराने यूजर को हम डिस्कनेक्ट करें कुछ देर के लिए और वो वापस कनेक्ट होने के लिए ऑटोमेटिकली हैंडशेक फाइल भेजेगा ही भेजेगा, बिकॉज हैंडशेक फाइल क्या होती है, हमारे डिवाइस में सेव हो जाती है। और जब भी हम उस वाईफाई रेंज में वापस जाते हैं ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड चला जाता है, वापस वाईफाई में अप्लाई होने, हम ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस ऑटो कनेक्ट की ये जो फंक्शन है जो कि यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी बन जाएगा, उसी की मदद से हमें हैंडशेक फाइल कैप्चर होगी। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमें हैंडशेक फाइल मिलेगी वो हैंडशेक फाइल यहाँ पे शो होगी। सो ये जो एरिया है यहाँ पे हमें हैंडशेक फाइल शो हो जाएगी, लिखा हुआ आएगा हैंडशेक कैप्चर समथिंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो पासवर्ड फाइल थी वो आपने कैप्चर कर ली है। तो अब हमें करना क्या है, केवल किसी एक यूजर को डिस्कनेक्ट करना है ताकि उसकी हैंडशेक फाइल हम कैप्चर कर सके। तो हम यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करेंगे एंड इस न्यू टैब को हम पहले जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को क्लियरली विजिबल हो। sudo su दे देंगे, रूट प्रिविलेजेस दे देते हैं इसको। एंड अब हमें क्या करना है, किसी एक यूजर को डिस्कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज लेंगे एक और पैकेज जो कि हम पहले भी दी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग जो था उसमें यूज ले चुके हैं, जो कि है एयरप्ले ng --deauth एंड देन उसके आगे नंबर, उसके आगे कुछ और डिटेल्स भी है, इसको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एयरप्ले ng एक ऐसा पैकेज है जिसके जरिए हम कुछ और पैकेज भेज सकते हैं, कुछ और डेटा ट्रांसफर बेसिकली वाईफाई हैकिंग और क्रैकिंग से रिलेटेड कुछ काम ही कर देगा हमारे लिए। तो यहाँ पे फिलहाल हम --deauth पैकेज भेज रहे हैं। deauth क्या है, डी ऑथेंटिकेशन, किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट करने के पैकेज कितने भेजने हैं वो मैंने इसके आगे बता दिया है 100, यानी जब तक 100 पैकेज जा रहे हैं तब तक वो यूजर उस सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और ये करने के लिए मुझे उस वाईफाई से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ये सबसे खास बात है इसकी। उसके बाद यहाँ पे डैश ए ऑप्शन है जिसके अंदर बेसिकली मैं बता रहा हूँ हमारे किस जो बेसिकली हमारा मेन वाईफाई है जो हॉटस्पॉट है WsCube Tech का, उसका मैक एड्रेस, यानी किस यूजर से किसको डिस्कनेक्ट करना है वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो जो मेन यूजर है जो WsCube Tech का हॉटस्पॉट है उसका मैक एड्रेस मैं डैश ए ऑप्शन के अंदर दूंगा, -a ऑप्शन के अंदर दूंगा, एंड देन -c जो है जो क्लाइंट है इसके अंदर मैं दूंगा उस यूजर का नाम जिसको डिस्कनेक्ट करना है, यानी हॉटस्पॉट से हमें जिस यूजर को डिस्कनेक्ट करना है उसका नाम मैं दूंगा -c के अंदर। सो -c के अंदर मेरे को एक मैक एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा जिस यूजर को मुझे डिस्कनेक्ट करना है उसका, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। और उसके बाद मैंने इंटरफेस का नाम बताया, बस W9.0 के इसके जरिए मैं एक्टिविटी करनी है। तो पहले मैं -c के अंदर का जो मैक एड्रेस था वो हटा रहा हूँ, -a के अंदर मैक एड्रेस पहले मैं कन्फर्म करूंगा मेरे उसी सेम राउटर का है कि नहीं है। तो हम पीछे चलते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं 5cc5, तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये मैक एड्रेस भी गलत है। तो हमें क्या करना होगा बेसिकली, इसको हम हटाएंगे यहाँ से एंड हमारा जो वाईफाई जो हॉटस्पॉट है WsCube Tech का जिसको हम क्रैक करने वाले हैं उसका मैक एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें चाहिए क्लाइंट का जिसको हमें डिस्कनेक्ट करना है ताकि वो वापस कनेक्ट होने के लिए हैंडशेक फाइल भेजे और हम उसे रस्ते में कैप्चर कर लें। तो उसके लिए यहाँ पे हम किसी भी यूजर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम करते हैं यहाँ पे उस यूजर को जिसमें फ्रेम ज्यादा मूव हो रही है। तो यहाँ पे ओके परफेक्ट, सो लेट्स सी ये 64 जो बेसिकली हमने सिलेक्ट करा ये वर्किंग करेगा कि नहीं करेगा। एंड इसको कॉपी पेस्ट करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए जैसे अभी नहीं हुआ है, बिकॉज वर्किंग प्रोसेस में क्या है आप सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो क्लोज करें जो कि हम कर नहीं सकते, तो हमें वहां से देख देख के यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ सकता है। बट एक कोशिश कर लेते हैं हम, अगर मैं थोड़ा फास्ट निकला और इंस्टेंट एक्शन में मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया देन हमारा काम हो सकता है। ओके लेट्स ट्राई, अगर हुआ है तो ओके, सो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है तो हम एक काम करते हैं इसको मैन्युअली राइट डाउन कर लेते हैं बेसिकली क्या था वो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो मैक एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो है 6479F0
ओके सो कहाँ गया, ओके वो यूजर ही डिस्कनेक्ट हो गया है. सो बेसिकली जिस यूजर को हम अटैक करने वाले, तो यूजर डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरा यूजर उठा लेते हैं हम यहाँ पे. तो दूसरा यूजर हम ले लेंगे यहाँ पे 10 10 07 B6. ओके सो 10 07 B6 यहाँ पे राइट डाउन करते हैं हम 10 07 B6. इसके आगे के नंबर्स देखते हैं, बेसिकली 10 07 B6 A07ACCC A07ACCC परफेक्ट. क्या मैंने बिल्कुल सही मैक एड्रेस लिखा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं. 10 07 B6 A07ACCC 10 07 B6 A07ACCC बिल्कुल परफेक्ट मैक एड्रेस हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है. इसके अलावा हमें कोई डिटेल नहीं चाहिए इस यूजर से, इस यूजर को हमें डिस्कनेक्ट करना है. सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. एंड अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, डी ऑथेंटिकेशन पैकेज आने चालू हो जाएंगे. और अगर मैं यहाँ आके देखूँ तो यूजर डिस्कनेक्ट हो गया है, और अब ये यहाँ पे जो हैंडशेक फाइल है वो इस सिस्टम को भेज देगा, एंड जो हैंडशेक फाइल है वो हमारे पास कैप्चर हो जाएगी. सो हम एक काम करते हैं, इस प्रोसेस को रोकते हैं ताकि ये फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करो. रोकने के लिए आप कंट्रोल सी का यूज ले सकते हैं, जो कि किसी भी कंटिन्यूस चलते प्रोसेस को रोक सकता है. ये करने के बाद अब हम चलते हैं वापस नॉर्मल टाइप पर, यहाँ वेट करेंगे. यहाँ पे बेसिकली जो इंटरफेस है वो डाउन शो हो रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था. बट अगर यहाँ पे हैंडशेक फाइल कैप्चर लिखा हुआ आ गया, देन हमारा सारा काम हो गया. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे राउटर का जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पे शो कर रहा है WP हैंडशेक के आगे. इसका मतलब है कि हमने जो पासवर्ड फाइल थी, हैंडशेक फाइल थी, वो कैप्चर कर लिए. तो अब इसी कैप्चर्ड फाइल के जरिए हम वाईफाई क्रैकिंग को अप्लाई कर सकते हैं. भले ही कोई कहीं भी बैठा हो, ये फाइल जिसके पास भी जाएगी वो इसके जरिए क्रैक कर पाएगा, पर ये फाइल है कहाँ पे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टैब में जाते हैं. एंड जैसे ही मैं एलएस करूंगा तो आप देख सकते हैं बेसिकली सेम फोल्डर में जहाँ पे मैंने हैंडशेक स्टार्ट करा था, जहाँ पे मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करा था, वहां पर अगर मैं देखूँ तो hacked02 नाम से जो फाइल है, जिसके अंदर कैप फाइल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो डॉट कैप फाइल है इसके अंदर स्टोर होता है हमारा मेन पासवर्ड. सो अब इसी कैप फाइल के अंदर हमारा पासवर्ड है और इसको हमें करना है क्रैक. अगर ये पुराना वाईफाई होता, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये पुराने वाईफाई टेक्नोलॉजी, पुराने टेक्नोलॉजी के वाईफाई होते बेसिकली, तो यहाँ पे हम क्या करते, हम बस लिखते acrack ng देन हमारी इस फाइल का नाम. ओके सो यहाँ पे हमने हमारी फाइल का नाम लिख दिया. अगर हम इतना ही लिख के एंटर करते और अगर ये पुरानी टेक्नोलॉजी के वाईफाई डिवाइसेस होते, हॉटस्पॉट होते, जिसके अंदर जो डेटा इधर से उधर मूव होता था वो स्ट्रांगली इंक्रिप्टेड नहीं हुआ करता था, जो हैंडशेक फाइल है वो स्ट्रांगली इंक्रिप्टेड नहीं हुआ करती, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता ये पासवर्ड क्रैक करके मुझे बता देता. बट फिलहाल यहाँ पे इसने ऐसा नहीं करा है. क्यों? क्योंकि ये WPA वाईफाई नहीं है, ये WPA2 है, यानी यहाँ पे इंक्रिप्शन अच्छा वाला अप्लाई करा गया है. एंड जो कि हम हिस्ट्री में भी देख चुके हैं कौन सा इंक्रिप्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको हमें करना पड़ेगा डिक्रिप्ट, बेसिकली डिकोड करना पड़ेगा. तो ये जो हैशेज है इनको क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसको क्रैक करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट, एंड उस वर्ड लिस्ट के जरिए हम इस पासवर्ड को इजिली क्रैक कर पाएंगे. सो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं उस वर्ड लिस्ट पे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम यूज लेंगे कॉमन पासवर्ड की लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर मोस्ट कॉमन लीक पासवर्ड है, जो कि नॉर्मली कई जगहों पे हमारे काम आ जाते हैं. बट इन केस अगर नहीं भी आएंगे तो क्या कर सकते हैं, वो भी मैं साथ ही साथ बताऊंगा. बट यहाँ पे पहले एक वर्ड लिस्ट यूज करके देख लेते हैं. तो मैं यहाँ करूंगा acrack ng डैश फाइल का नाम, बेसिकली स्पेस फाइल का नाम, एंड उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट अटैच करनी है, जो कि जब एरर आया था acrack ng ने भी मेरे को बताया था कि -w के जरिए आपको यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट ऐड करनी होगी. सो अब यहाँ पे हम एक वर्ड लिस्ट ऐड कर लेते हैं, जो कि बेसिकली है टॉप 10 मिलियन पासवर्ड लिस्ट, बेसिकली जिसमें 1 लाख से ज्यादा पासवर्ड है, और ऐसे ही ये बेसिकली लीक्ड पासवर्ड है. तो ये यहाँ पे मेरे काम आ सकते हैं. अगर नहीं भी आएंगे तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, बट फिलहाल इस पासवर्ड जिसके जरिए हम इस पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे. तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूँ, साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि आपको अच्छी वर्ड लिस्ट कहाँ से मिल सकती है बनी बनाई, यानी लीक पासवर्ड की, जो मोस्ट कॉमन पासवर्ड होते हैं इन सभी की वर्ड लिस्ट कहाँ से मिल सकती है, साथ साथ ये भी बता दूंगा. तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, यहाँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, एंटर प्रेस करते ही पासवर्ड जो हमारे सामने आ गया. अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ एंड इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट फेज जो हमारा एग्जैक्ट पासवर्ड है वो इसने मेरे को क्रैक करके दे दिया है बहुत ही मिली सेकंड्स में. सो बहुत ही कम टाइम लिया इसने बेसिकली इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए. ये थोड़ा शॉकिंग था, बस काफी फास्ट काम करता है ये हमारा acrack ng. क्या आपको पता है एक हैकर बहुत ही इजीली जो आपकी प्राइवेट आईपी है वो खुद रख सकता है, यानी आपकी आईपी चुरा के अपनी आईपी बना सकता है उसे. जानना चाहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, तो देखते हैं सबसे पहले स्पूफिंग एग्जैक्टली क्या है. सो स्टूडेंट स्पूफिंग है क्या, बेसिकली स्पूफिंग जो है वो है एक प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी सिस्टम की जो आइडेंटिटी होती है, जैसे उसका आईपी एड्रेस, उसका मैक एड्रेस, वो खुद रख लेते हैं. यानी हम कोई और होने का दावा दे रहे हैं, बेसिकली कोई और दिखा रहे हैं कि हम कोई और यूजर है,
जैसे कि मैं आपको फोन लगा के कहूँ कि मैं एक्स वाई जेड पर्सन बोल रहा हूँ जबकि मैं वो पर्सन नहीं हूँ, मैंने मैं किसी और की आइडेंटिटी से आपको कॉल लगा रहा हूँ। तो उसी प्रोसेस को जब हम टेक्निकली यहाँ नेटवर्किंग में करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पूफिंग। यानी अगर हमारे पास एक सिस्टम है जो हमारा राउटर भी हो सकता है जिसकी आईपी है 192.168.1.1, सो बेसिकली 192.168 इसको हम सही से लिख देते हैं एक बार 192.168.1.1। तो ये जो हमारी आईपी है, अगर ये आईपी जो हमारे राउटर की आईपी है एक अटैकर आके खुद रख ले, देन क्या होगा? और इसकी दूसरी जो आइडेंटिटी होती है जो कि होता है हमारे राउटर का मैक एड्रेस, वो भी अगर ये खुद रख ले तो क्या होगा? इस केस में होगा ये कि जितने भी सिस्टम इस राउटर से जुड़े थे अब वो इस सिस्टम को, इस अटैकर सिस्टम को राउटर समझने लग जाएंगे और जो भी डेटा ये सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं, जो भी इनको इंटरनेट पर बात करनी है, वो सारा डेटा इसके थ्रू यहाँ से होके जाएगा। सो इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो अटैकर सिस्टम है, ये बन जाएगा एक राउटर एंड इसके पास कंप्लीट एक्सेस होगा सारे नेटवर्क्स का जो वो चलाना चाह रहे हैं। बेसिकली जो भी रिक्वेस्ट रिस्पांस आ रही है सबका कंट्रोल इस सिस्टम के पास आ जाएगा। इसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। एंड ये जो हमने आइडेंटिटीज चुराई है जैसे कि आईपी और मैक एड्रेस, इसको हम कहते हैं स्पूफिंग। सो यहाँ पे आज हम दो चीजें परफॉर्म करने वाले हैं, दो स्पूफिंग परफॉर्म करने वाले हैं। पहला है आईपी स्पूफिंग, दूसरा है मैक स्पूफिंग। सो ये दोनों स्पूफिंग आज हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छे से समझेगा होगा कि आईपी स्पूफिंग में क्या होगा कि हम किसी और की आईपी एड्रेस जो है वो चुरा लेंगे, एंड मैक स्पूफिंग में क्या होगा कि हम किसी का जो मैक एड्रेस है वो चुरा लेंगे। तो आइए देखते हैं इस चीज को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे हमारी काली मशीन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, काली मशीन के अंदर सबसे पहले तो हम हमारी जो वाईफाई स्टिक है इसको प्लग कर देंगे, बिकॉज वाईफाई नेटवर्क्स के अंदर ही हम बेसिकली आईपी और मैक स्पूफिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने वाईफाई स्टिक को जैसे ही प्लग करेंगे हमसे परमिशन मांगेगा कि कहाँ पे इसको यूज लेना है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट वर्चुअल मशीन करेंगे, काली मशीन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो वर्चुअल मशीन है वो सिलेक्ट कर लेगी उस हार्डवेयर डिवाइस को, यानी हमारी वाईफाई स्टिक अब काली लिनक्स के अंदर यूज आएगी इंस्टेड ऑफ हमारा विंडोज 10, है ना। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जल्द ही जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स हैं वो शो होने लग गए। ओके, सो ऑलरेडी एक वाईफाई से कनेक्ट भी हो चुका है, या हमारा WsCube Tech के वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, इस आईपी स्पूफिंग और मैक स्पूफिंग अटैक को परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे आईपी स्पूफिंग को। उसके लिए हमें हमारे नेटवर्क्स में जितने भी यूजर्स हैं उनकी आईपी पता होनी चाहिए ताकि उसमें मैक स्पूफिंग या आईपी स्पूफिंग परफॉर्म कर सके। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो रूट परमिशन दे देंगे sudo su के जरिए। एंड रूट परमिशन देने के साथ साथ मैं डिस्प्ले को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी को क्लियर विजिबल हो। एंड अब हम यहाँ पे लिखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नेट डिस्कवर, जो कि बेसिकली क्या करेगा कि हमारे इंटरफेस में जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सभी को डिस्कवर करके हमें यहाँ पे शो कर देगा। बट उससे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि नेट डिस्कवर काम कैसे करेगा, उन नेटवर्क्स का इन्फॉर्मेशन देगा, बेसिकली उन नेटवर्क को डिस्कवर करके यहाँ पे हमें शो करेगा जो हमारे नेटवर्क में जुड़े हुए, है ना, उन सभी सिस्टम्स को यहाँ पे शो करेगा। सो अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे जो कि है नेट डिस्कवर। एंड नेट डिस्कवर करेगा क्या, बेसिकली कि जितने भी सिस्टम सेम नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उन सभी को यहाँ पे डिस्कवर करके शो कर देगा, उनके आईपी एड्रेस, उनके मैक एड्रेस, उनकी कुछ और डिटेल्स के साथ। बट यहाँ पे अब हमें एक चीज समझनी होगी कि केवल उन नेटवर्क को शो करेगा, उन सिस्टम्स को शो करेगा जो इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, सेम नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है फिलहाल वर्चुअल नेटवर्क होगा, और जिस वाईफाई से हम जुड़े हुए, जिस वाईफाई से हमारे विंडोज 10 जुड़ा हुआ है वो होगा अलग नेटवर्क। तो उसके लिए हम सभी को क्या करना होगा, हम जाएंगे एडिट के अंदर, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाएंगे यहाँ पे, और इस एडिटर के जरिए हम करेंगे क्या कि इंटरफेस जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम वर्चुअल इंटरफेस से ना जुड़े रहे, हम रियल हार्डवेयर इंटरफेस से जुड़ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिज ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, आपको क्या करना है, ब्रिज में जाना है। यहाँ पे ब्रिज 2 के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका जो भी इंटरफेस है, जो बेसिकली हार्डवेयर वाईफाई स्टिक है, जो इसके अंदर इनबिल्ट आती है हमारे लैपटॉप के अंदर, आपको उस स्टिक को यूज लेना है। तो फिलहाल यहाँ पे जो मेरी वाईफाई स्टिक है वो ये है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, वाईफाई अडैप्टर जो है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये जो सेटिंग्स है अप्लाई हो जाएगी, और अप्लाई होने के बाद सो सेटिंग्स अप्लाई हो गई है, और मैं यहाँ पे देख लूंगा बेसिकली कि मैं जो है उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ इथरनेट से, भले ही वो बाहर जो है वो वायरलेस डिवाइस होगा बट डायरेक्ट मैं यहाँ पे हार्डवेयर से ही जुड़ा हूँ, छो यहाँ पे इथरनेट शो होता बट असल में मैं वाईफाई नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, नेट डिस्कवर लिख के एंटर करूंगा। नेट डिस्कवर क्या करेगा, सारे नेटवर्क जो मेरे रेंज में है वो मेरे को डिस्कवर करके यहाँ पे शो कर देगा। सो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे इसने अलग अलग नेटवर्क शो करने स्टार्ट कर दिए, बस कंप्लीट आउटपुट आने का हम वेट करेंगे। जैसे ही कंप्लीट आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा उस आउटपुट में से हम निकालेंगे हमारे राउटर का मैक एड्रेस एंड उसका आईपी एड्रेस, एंड देन उसके अंदर हम करेंगे कुछ चेंजेस ताकि वो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस रख ले हम लोग। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास हमारा जो राउटर था उसका आईपी एड्रेस आ गया है और उसका मैक एड्रेस भी आ गया।
थोड़ा ब्लर करा है हमने इसको, बट यहाँ पे जो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस आया है ये है वो इन्फॉर्मेशन जो कि अब हम रखने वाले हैं, यानी आईपी मैक एड्रेस अब हम चुराने वाले हैं। तो ये प्रोसेस कैसे हो सकता है, तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पहले स्टॉप कर देता हूँ, नेट डिस्कवर के प्रोसेस को, बिकॉज मेरे को जिस सिस्टम का आईपी मैक एड्रेस चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है, अब वो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस मुझे रखना है अपने सिस्टम के। तो इसका बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे मैं लिखूंगा आईएफ कॉन्फिग, देन हमारे इंटरफेस का नाम लैन जीरो, एंड देन जो आईपी हमें उसके लिए रखनी है 192.168.1.1। ओके सो अच्छा इंटरफेस बेसिकली जो है वो लैन जीरो नहीं रखेंगे, ETH जीरो रखेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट के जरिए हम कनेक्टेड है, एंड अब हमारे आई थिंक सब कुछ सेटिंग्स जो है बिल्कुल सही, आई एफ कॉन्फिग ETH जीरो एंड आईपी हमने सेलेक्ट कर दिया, एंड अब एंटर प्रेस करेंगे। और अब अगर मैं आईएफ कॉन्फिग लिख के एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे इथरनेट की जो आईपी है वो है 192.168.1.1। बस इतना आसान था किसी की आईपी खुद रख लेना सेम नेटवर्क में। अब एक और यहाँ पे एक दो चीजें और हमें यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी। दूसरा जो पॉइंट है जो हमें मैनेज करना है वो ये है कि वो मैक एड्रेस हमें रखना होगा, जिसको हम कहेंगे मैक स्पूफिंग। फिलहाल जो अभी हमने परफॉर्म करी थी वो थी आईपी स्पूफिंग, बहुत ही ईजी थी, आप सभी को समझ आ गई होगी, केवल इंटरफेस का नाम आईएफ कॉन्फिग, एंड देन जो हमें सेटिंग चेंज करनी है, जैसे आईपी चेंज करनी है तो आईपी जो रखनी थी वो हमने रख दी। मैक स्पूफिंग बहुत ईजी है, मैक एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। पूरा मैनुअल प्रोसेस था जो कि ऐसा था कुछ आईएफ कॉन्फिग ETH जीरो डाउन, एंड देन उसके अंदर हम हार्डवेयर एड्रेस चेंज करते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं कंप्लीट इसको नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ETH डाउन करूंगा तो आईपी वापस चेंज हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता मैं इसको डाउन करूं। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यूज लूंगा यहाँ पे मैक चेंजर। सो मैक चेंजर के जरिए मैं क्या करूंगा, डैश एम यानी मैनुअल था, और यहाँ पे ETH जीरो बेसिकली मेरे इंटरफेस का नाम है। तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे जो मैक एड्रेस है वो बस एड करना है हमारे राउटर का। तो इस मैक एड्रेस को हम यहाँ से हटा देते हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत ब्लर शो हो रहा होगा ऑलरेडी, एंड अब हम यहाँ पे मैक एड्रेस ऐड कर देंगे। हमारे राउटर का मैक एड्रेस जो है वो हमने कॉपी कर लिया है, एंड यहाँ पे इस मैक एड्रेस को हम कर देते हैं पेस्ट, परफेक्ट। सो यहाँ पे हमने मैक चेंजर डैश एम यानी मैनुअली, एंड उसके आगे हमारी मर्जी से एक मैक एड्रेस ऐड कर दिया है, और उसके बाद ETH जीरो ऐड कर दिया है। तो अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा हमारा मैक एड्रेस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है हमारे राउटर के मैक एड्रेस से, यानी अब हमारे पास राउटर की आईपी भी है और राउटर का मैक एड्रेस भी है, जो उसकी आइडेंटिटी थी अब वो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर मैं आईएफ कॉन्फिग करता हूँ एंड एंटर प्रेस करूं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आईपी अभी भी सेम है, और अब हमारा जो मैक एड्रेस है वो भी एग्जैक्ट सेम मैक एड्रेस है जो कि हमारे राउटर का था। तो अब ये दोनों काम होने के बाद जो स्पूफिंग प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास राउटर की आईपी राउटर का मैक एड्रेस आ गया, हम किसी की भी ऐसी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। एक प्रोसेस यहाँ करना बाकी रह जाएगा जो कि उस राउटर को यहाँ से हटा देना, राउटर को डिस्कनेक्ट कर देना। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है हमारे पास। अगर हम कोई भी फ्लडिंग अटैक परफॉर्म करेंगे तो राउटर जो है वो यहाँ से चला जाएगा, ARP फ्लडिंग हो, डीऑथेंटिकेशन फ्लडिंग हो बेसिकली। सो अगर हम इन चीजों को परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, मैक फ्लडिंग भी क्यों ना परफॉर्म करे, राउटर जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैक फ्लडिंग का कमांड आप सभी को पता है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ बस, मैक ऑफ एंड देन इंटरफेस और उसके बाद हमारे राउटर की आईपी। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस करूंगा मेरा राउटर जो है जो ऑलरेडी कनेक्टेड था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसकी जगह मैं आ जाऊंगा। इस अटैक को हम कहते हैं रूट एक्सेस पॉइंट, यानी मैं राउटर की जगह ले रहा हूँ, जिसको हम मैन इन द मिडल अटैक में भी गिन सकते हैं। एक ऐसा अटैक जिसमें बेसिकली एक अटैकर दो सिस्टम्स के बीच में आ जाए और पूरा कंट्रोल रखें कि किसके पास क्या डेटा मूव होना है, इस अटैक को हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक MITM। और ये अटैक बहुत ही डेंजरस है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज करा जाता है एंड इससे कैसे बचा जाए, साथ ही साथ इस वीडियो में भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आखिर क्यों हमें ओपन या पब्लिक वाईफाई में जुड़ने से मना करा जाता है, या फिर क्या ये सच है कि जो वाईफाई में हम जुड़ते हैं या किसी भी पब्लिक वाईफाई में जब हम जुड़ते हैं तो एक ब्लैक कैट हैकर हमारा कंप्लीट डेटा चुरा सकता है, और अगर ऐसा है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस को, किस तरीके से एक ब्लैक कैट हैकर आपके वाईफाई में जुड़ के कंप्लीट कंट्रोल रख सकता है कि आपके इंटरनेट पे चलेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैन इन द मिडल अटैक बेसिकली क्या है। तो ये MITM यानी मैन इन द मिडल अटैक, जैसा कि इसका नाम बताता है, एक ऐसा पर्सन जो बीच में बैठ के सारा कंट्रोल रख रहा है, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी उस इंफॉर्मेशन के बीच में अब यहाँ पे आ गया एक पर्सन, एक ब्लैक हैट हैकर जो कि पूरी नजर रखता है इस डेटा पे, पूरा कंट्रोल रख सकता है, सब कुछ बेसिकली इसके अंडर हो जाता है यहाँ पे। सो अब जो बातचीत होगी वो यहाँ से होगी, इंस्टेड ऑफ ये जो पहले कनेक्शन हो रहा था इसको हटा दिया जाएगा।
तो बेसिकली अब जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा कि ये जो हमारा सिस्टम ए है ये बात करने के लिए अटैकर के जरिए भेजेगा अपना पैकेज राउटर पे। सो यहाँ पे मैन इन द मिडल होता है ये अटैक, एंड अब हम क्या करने वाले हैं, इसी अटैक को परफॉर्म करने वाले हैं। यानी इस पर्सन के पास पूरा राइट है, पूरा सारी चीजें देख सकता है कि ये क्या चला रहा है, और ये कंट्रोल भी कर सकता है। बिकॉज जब रिस्पॉन्स भी आएगी, जब हमारा राउटर रिस्पॉन्स देगा कि उसको कौन सी वेबसाइट या क्या चीज ओपन करनी, तो उस वक्त भी इसके कंट्रोल में रहेगा। तो ये चाहे तो अपने मन से कोई एडिटेड या मॉडिफाइड रिस्पॉन्स भेज सकता है। तो इसका मतलब ये बहुत ही हार्मफुल अटैक है। देखते हैं अब ये कैसे पॉसिबल है और किस तरीके से इस काम को करा जाता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। सो यहाँ पे चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ, जहाँ पे हम ऑलरेडी एक टर्मिनल ओपन कर चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है, टर्मिनल के अलावा सबसे पहले हम यहाँ पे इस काली के इस टैब पे क्लिक करेंगे जहाँ से सारी एप्लीकेशन हमें शो हो जाती है, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एथरकैट। उसका हम ग्राफिकल वर्जन जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एथरकैट का ग्राफिकल वर्जन स्टार्ट होने वाला है, एंड उसके लिए हमसे रूट प्रिविलेजेस मांग रहा है। तो जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यहाँ लिख के ऑथेंटिकेट कर दूंगा ताकि मैं इसको रूट यूजर में रन कर सकूँ। एंड अब यहाँ पे हमारा जो एथरकैट है ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ सबसे पहले तो इंटरफेस जो है आप ध्यान रखिएगा, मेरी वाईफाई स्टिक एडिड है तो मैं वाईफाई स्टिक के जरिए ही इस कनेक्शन को परफॉर्म करूंगा, बेसिकली वाईफाई नेटवर्क में परफॉर्म करूंगा। तो मैं यहाँ पे WLAN 0 जो मेरे इंटरफेस का नाम है उसको सिलेक्ट कर दूंगा, एंड देन टिक ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसको फुल डिस्प्ले कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो एथरकैट है स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमें डिस्कवर करना होगा कि हमारे नेटवर्क में कितने लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बिकॉज इसी के जरिए हम टारगेट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो वो करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च का एक बटन है जिस पर अगर आप जाएंगे तो स्कैन्स फॉर होस्ट लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये जितने भी होस्ट इस एरिया में इस रेंज में है सब डिस्कवर करके आपको यहाँ पे शो कर देगा। सो वेट करते हैं, देखते हैं कितने होस्ट यहाँ पे डिस्कवर हुए एक बार। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली 3 होस्ट डिस्कवर हुए हैं। एक दो बार स्कैन को और रन कर देंगे ताकि अच्छे से बेसिकली जितने भी होस्ट डिस्कवर हो सकते हैं जल्द से जल्द यहाँ पे डिस्कवर हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 होस्ट हो गए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या होस्ट डिस्कवर हुए हैं तो आप यहाँ पे होस्ट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी होस्ट हैं वो विजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे इससे पहले कि हम किसी होस्ट को सिलेक्ट करके उस पर अटैक चालू करें, हम ये कंफर्म कर लें कि हम करीब करीब सारे होस्ट जितने भी इस नेटवर्क में हो सकते थे वो सब हमने स्कैन करके यहाँ रख लिए। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ होस्ट चेंज हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंड लास्ट टाइम हम इस स्कैन को एक और बार रन कर देंगे। ओके परफेक्ट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे होस्ट हमारे ऐड हो गए हैं। अब इन होस्ट से हमें बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है इन होस्ट के और राउटर के बीच में। तो राउटर कौन है हमारा, तो हम देख सकते हैं 192.168.1.1 ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से समझते हैं। तो 192.168.1.1 जो है ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे, एंड इसी के जरिए सो हमारे इस राउटर के और जो हमारा टारगेट इनके बीच में हम आके परफॉर्म करेंगे मैन इन द मिडल अटैक। तो हम एक विक्टिम को सिलेक्ट कर देते हैं, सबसे पहले हमने राउटर को सिलेक्ट कर दिया, इसको हम डाल देते हैं टारगेट 1 में। एंड देन अब जो हमारा यूजर था जिसके बीच में हमें एक और आना था तो उसमें हम कर देते हैं 192.168.1.76 यूजर को। सो ये जो हमारा है 192.168.1.76 इसको हम सिलेक्ट करेंगे एज हमारा सेकंड टारगेट। तो यहाँ पे ऐड टू टारगेट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हो गया सेकंड टारगेट, एंड 192.168.1.1 जो कि था हमारा राउटर वो हो गया फर्स्ट टारगेट। अब हमने दोनों टारगेट्स को सिलेक्ट कर दिया, इनके बीच में बेसिकली हम सारा इंटरसेप्शन करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक्स के जो फंक्शंस उस पर क्लिक करेंगे और ARP पॉइजनिंग पर क्लिक कर देंगे। एंड जैसे ही ARP पॉइजनिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्निफिंग रिमोट कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको टिक रहने देंगे एंड ओके करेंगे। सो अब यहाँ पे जो हमारी पॉइजनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैन इन द मिडल अटैक जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। बट हमें कैसे कन्फर्म होगा, तो ये कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू टैब खोलेंगे जो हमारा रूट ऑलरेडी बेसिकली टर्मिनल खुला हुआ है, उस टर्मिनल में जाएंगे एंड टर्मिनल में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे URL snuff and then यहाँ पे -i for interface basically and यहाँ पे WLAN 0 हमारे इंटरफेस का नाम लिख के हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, URL snuff -i basically ये एक ऐसा पैकेट है, एक ऐसा टूल है जो हमारे काम आता है नेटवर्क को इंटरसेप्ट करने में। तो जो भी नेटवर्क का इंटरसेप्शन हो रहा है वो यहाँ पे शो करेगा बेसिकली मेरे को। ये -i के जरिए मैंने इंटरफेस बता दिया है किस डिवाइस के जरिए काम को करना है जो कि LAN 0, एंड देन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये लिस्टिंग चालू कर देगा और अब ये यूजर कुछ भी अगर चलाएगा तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली अब जैसे ही वो यूजर जो भी वेबसाइट चला रहा है, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो MSF कनेक्ट बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे test.php.1web यानी वेबसाइट जो है वो रिलोड करी गई है यूजर के द्वारा। सो बेसिकली इसी तरीके से यूजर की जो बाकी की डिटेल्स है, जो ब्राउजर यूज कर रहा है, जो सिस्टम डिटेल्स है, वो सब मेरे को यहाँ पे इजिली प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से मैन इन द मिडल अटैक को परफॉर्म करा जाता है। उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीजें समझ आ गई होगी।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।